हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग मन लगाकर के केमिस्ट्री में पढ़ाई कर रहे होंगे। और अभी तक हमने जो दो चैप्टर कवर अप करे हैं आपके सीबीएसई क्लास 12th के अंदर, सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आई होप आप सभी को बेखूबी वो अच्छे से समझ आए होंगे। नहीं समझ आए तो क्या करें, आपके पास ऑल्टरनेटिव भी नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा भाई, राइट। ऐसा मैं आज आप लोगों से इसीलिए बोल रहा हूँ स्टूडेंट, बिकॉज आज हम लोग लेकर के आए हैं एक नया चैप्टर, एक ऐसा चैप्टर जो बहुत मजेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि प्रैक्टिकल बेस्ड है, बहुत ही कह लीजिए हमारे आसपास जो रिएक्शंस या केमिकल रिएक्शन और केमिकल प्रोसेस जितने भी होते हैं उन सभी में ये रिएक्शन देखा जाता है, ये प्रोसेस देखा जाता है। और ये चैप्टर बहुत ही प्रैक्टिकल बेस्ड है बेसिकली, तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे तो पढ़ने में मजा भी आएगा, राइट। तो आज स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सीबीएसई क्लास 12th की केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर 4, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स आप लोगों का केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर। ये चैप्टर बताना चाहूं मेरे हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ क्वेश्चन इसके मैनेजेबल होते हैं। सीबीएसई में तो बहुत ही टुच्चे क्वेश्चन आता है, इसके अंदर कुछ खास आता नहीं डिफिकल्ट क्वेश्चन, लेकिन हाँ जेईई ऑडिट में काफी अच्छा है, कुछ इससे पूछा जा सकता है, लेकिन अगेन उनको भी पढ़ना और हैंडल करना काफी हद तक आसान होता है, राइट। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स और जानते हैं ये चैप्टर क्या होता है। वर्ड से तो तुम समझ चुके होंगे स्टूडेंट्स, काइनेटिक्स, काइनेटिक वर्ड समझ चुके हो, काइनेटिक्स, काइनेटिक का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू मोशन कहते हैं बेसिकली, बट यहां पर मैं उसको मोशन ना बोल के स्टूडेंट्स बोलूंगा स्पीड, स्पीड वेलोसिटी, जिसको यहां पर हम स्टूडेंट्स एक और नाम से बुलाएंगे और वो क्या नाम होगा, बिल्कुल सही, रेट। क्या होगा स्टूडेंट्स, रेट, स्पीड। तो काइनेटिक्स का मतलब है बेसिकली स्पीड, लेकिन किसकी स्पीड, किसकी स्पीड स्टूडेंट्स, तो केमिकल का मतलब निकलता है यहां पर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो स्टूडेंट्स ध्यान सुनेगा, केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच होती है, याद रखिएगा, जिसके अंदर हम लोग बात करते हैं उन सभी एस्पेक्ट्स या उन सभी पैरामीटर्स के बारे में जो हमको यह स्टडी करने में हेल्प करे कि किसी रिएक्शन की स्पीड कैसे डिफाइन करी जाती है। अब जब ये नाम सबसे पहले आपके दिमाग में आया या साइंटिस्ट लोगों के दिमाग में नाम पहले आया तो सबसे पहला आइडिया दिमाग में यही आया कि यार इसको पढ़ने की जरूरत क्या थी, हमने इसको क्यों स्टडी करा, इसके अंदर ऐसा क्या था जो हमको इसको पढ़ना पड़ा। तो स्टूडेंट जैसे कि आप लोग जानते हो कि इस यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी तरीके की रिएक्शंस होती है, उन सभी रिएक्शंस में से कुछ रिएक्शंस स्टूडेंट्स होती है बहुत फास्ट, बहुत क्विक, जैसे कि आपका रेडियो एक्टिव डिके बहुत फास्ट होता है, राइट। और आप लोगों का कह लीजिए जितने भी आयनिक रिएक्शंस, एसिड बेस का न्यूट्रलाइजेशन बहुत ही फास्ट और क्विक रिएक्शन है वो भी, राइट। वहीं दूसरी तरफ अगर आप चले जाओ तो कहीं ना कहीं काफी यूनिवर्स में एक नेचुरल रिएक्शन है और बहुत स्लो होती है, जैसे कि आपका रस्टिंग ऑफ आयरन बहुत स्लो रिएक्शन है, राइट। अब कहने को तो रिएक्शन आपके एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन में भी हो रही है और रिएक्शन आपकी रस्टिंग में भी हो रही है, लेकिन अगेन क्या फर्क है दोनों में, ऐसा क्या है इन दोनों के अंदर कि एक रिएक्शन है बहुत फास्ट और एक रिएक्शन है बहुत स्लो, ऐसा कौन सी चीज है जो उनकी स्पीड को डिफाइन कर रही है, ऐसे कौन सा फैक्टर है जो उनको बता रहा है कि भैया ये स्लोली चलेगी या एक रिएक्शन फास्ट चलेगी, ये कैसे पता लगाएंगे। आज का ये जो लेक्चर है ये उसी के बारे में है और ये चैप्टर भी स्टूडेंट्स उसी के बारे में है। तो याद रखिएगा आप लोग, केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच होती है जहां पर हम इन्हीं सब चीजों से जुड़ी हुई, किन चीजों से जुड़ी हुई स्टूडेंट्स, रिएक्शन की स्पीड के बारे में बात करते हैं, रिएक्शन की स्पीड। जी हाँ, रिएक्शन की स्पीड का मतलब है कि अगर किसी रिएक्शन में हमने दो रिएक्टेंट्स को मिक्स करा तो कितनी स्पीड से वो क्या बना के देंगे, प्रोडक्ट। केमिस्ट्री लैब के अंदर जब कोई रिएक्शन चल रही होती है तो बीकर में हम क्या करते हैं, अगर रिएक्शन की स्पीड स्टडी कर रहे हो तो क्या करेंगे, जिस बीकर में रिएक्टेंट्स को मिक्स करा है क्या उस बीकर को लेकर भागना शुरू कर देंगे, उससे रेट ऑफ रिएक्शन पता चलेगा, नहीं उससे पता नहीं चलेगा, ऑब्वियस सी बात है, राइट। वहां पे हमको बीकर से मतलब नहीं, हमें कैसे मतलब है, हमें मतलब है बीकर के अंदर जो रिएक्टेंट हमने डाल रखा है उसके अंदर क्या रिएक्शन चल रहा है, यानी कि रिएक्टेंट किस हिसाब से कितनी स्पीड से प्रोडक्ट बना रहा है, इस बारे में यहां बात हो रही है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, रिएक्टेंट कितनी तेजी से प्रोडक्ट देगा उसे हम बुलाते हैं स्टूडेंट स्पीड ऑफ रिएक्शन, और यहां पर हम उसको एक नया नाम बोलेंगे, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। तो चलिए जल्दी से जानते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है। तो याद रखिएगा केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ पॉइंट नंबर वन, रेट ऑफ अ रिएक्शन
बी बी फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ अ रिएक्शन, बिल्कुल सही। एंड थर्ड एंड नॉट द लीस्ट आप लोगों का सी पार्ट, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। जी हाँ, तो इन तीन चीजों के बारे में बात हो रही है, राइट। तो स्टूडेंट, जैसे कि बताया मैंने आपको रेट ऑफ रिएक्शन, राइट, यानी कि स्पीड के बारे में पता लगाना, वो फैक्टर्स के बारे में जानना, उन पैरामीटर्स के बारे में स्टडी करना जो किसी रिएक्शन की स्पीड को डिफाइन करते हैं। कोई रिएक्शन फास्ट है तो क्यों है, स्लो है तो क्यों है, उसके बारे में, ठीक है। आज हम इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे, आज की क्लास में हम इसको जानेंगे कि क्या होता है ये, राइट। सेकंड हमारे पास स्टूडेंट्स आता है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। इससे जो अगला वीडियो लेक्चर आएगा स्टूडेंट्स, उसमें हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे, फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, राइट। फिर भी जनरलाइज तौर बता देता हूं स्टूडेंट, कौन कौन से फैक्टर होते हैं इसके अंदर। इसके अंदर जो सबसे पहला फैक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है स्टूडेंट्स, वो होता है आप लोगों का कॉन्सेंट्रेशन, किसकी, रिएक्टेंट के। क्यों रिएक्टेंट की क्यों बात कर रहा हूं बताऊंगा बाद में। दूसरा होता है टेम्परेचर, बिल्कुल सही कहा, टेम्परेचर से भी रिएक्शन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। और एक लास्ट वाला जो सबसे कॉमन है, आपको पता भी होगा, कैटलिस्ट। जी हाँ, प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, राइट। कैटलिस्ट भी रिएक्शन की स्पीड को कंट्रोल करता है, बढ़ा देता है, आपको पता ही होगा। तो कैसे बढ़ाता है, क्यों बढ़ाता है, वो सब उनको स्टडी करना है चैप्टर में, राइट। तो याद रखिएगा, ये वो तीन फैक्टर्स है स्टूडेंट जिनके ऊपर आपका किसी भी रिएक्शन की स्पीड डिपेंड करती है। और बताना चाहूं मैं आप लोगों को कि आपका चैप्टर भी स्टूडेंट इन्हीं के बारे में, अगर आप इस केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर को डिवाइड करें ना सेक्शन वाइज, तो तीन ही सेक्शन पढ़ने आपको इसके अंदर। पहले वाले में तो फंडामेंटल्स आ जाते हैं, बिल्कुल सही, राइट। दूसरे वाले में आ जाएंगे कि तीनों फैक्टर, एक दो और ये तीन, कैसे कॉन्सेंट्रेशन बदलेगी तो क्या फर्क पड़ेगा रिएक्शन की स्पीड पर, टेम्परेचर बदलेगा तो क्या फर्क पड़ेगा रिएक्शन की स्पीड पर, और कैटलिस्ट कि कैटलिस्ट पर कैटलिस्ट अगर रिएक्शन में डाला तो क्या फर्क पड़ेगा इसकी रिएक्शन की स्पीड पर, राइट। तो इस सब बारे में यहां पर हम लोग स्टूडेंट्स बात करते हैं, राइट। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन डिटेल में तो पढ़ाऊंगा यहां पर आप लोगों को, लेकिन फिलहाल स्टूडेंट एक आईडिया ले लो आप लोग कि मैकेनिज्म का बेसिकली मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, एक पाथ। जब कोई रिएक्शन के अंदर एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा होता है, जब किसी रिएक्शन में एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा होता है स्टूडेंट, तो उस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए ना उसके पास बहुत सारे पाथ अवेलेबल होते हैं कि वो भैया इस पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करता है। पाथ का मतलब है कि देखिए, जब कभी कोई रिएक्शन होती है ना स्टूडेंट, तो याद रखना कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है, मेजरली ऑर्गेनिक रिएक्शंस की मैं बात कर रहा हूं यहां पर, कि जहां पर रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं बनाता। आई एम श्योर आप लोगों ने 11th क्लास के हाइड्रोकार्बन चैप्टर के अंदर इस चीज स्टडी भी करी होंगी, नहीं स्टडी करी नहीं पता, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिलहाल मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक जाना होता है तो डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं जाता, वो थ्रू द सीरीज ऑफ रिएक्शंस, आपका रिएक्टेंट सीरीज ऑफ कंपाउंड को बनाता हुआ अपने फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचता है, राइट। अब ये जो सीरीज ऑफ प्रोडक्ट बन रहे हैं रिएक्शन के दौरान, और बन रहे खत्म हो रहे, बन रहे खत्म हो रहे, उसी पूरे पाथ को, उसी पूरे रास्ते को हम बुलाते हैं मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन भी यहां पे हमको स्टडी करना है। क्यों स्टडी करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं कई बार स्टूडेंट्स रिएक्शन की जो स्पीड होती है वो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन पर भी डिपेंड करती है। पाथ पर ऑब्वियसली बात है डिपेंड करेगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलिए, अगर आप लोग कभी किसी किसी पार्टी में गए अपने फ्रेंड के पास या अपने फ्रेंड के घर, और मान के चलो वहां से अगर आपको अपने घर आना है, तो आई एम श्योर आप लोग जानते हैं आपको अपने फ्रेंड के घर से अपने घर तक आने के लिए बहुत सारे रास्ते अवेलेबल होंगे। कोई शॉर्टकट होगा तो कोई लॉन्ग कट होगा, ऑब्वियसली बात है शॉर्टकट लोगे तो क्या होगा, जल्दी पहुंच पाओगे, राइट। और लॉन्ग कट से क्या हो जाओ, थोड़ा डिस्टेंस बढ़ जाएगा, टाइम ज्यादा लगेगा पहुंचने में, राइट। और कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार आपके एक अपने फ्रेंड के घर से अपने घर तक जाने का आपके पास दो रास्ते है। एक है भैया बहुत ही भीड़ भड़कता वाला एरिया, कंजेस्टेड एरिया, जहां से निकलने में बहुत टाइम लगेगा, वहां पे ट्रैफिक जाम बहुत ज्यादा मिलेगा, तो ऑब्वियसली बात है वहां पे आपके चलने की जो स्पीड होगी, ट्रैवलिंग जो स्पीड होगी वो क्या होगी, कम होगी। और वहीं दूसरी तरफ आपके पास एक ऐसा रास्ता होगा जो बिल्कुल ही खाली होगा, बिल्कुल कंजेशन फ्री होगा, राइट, ट्रैफिक वगैरह ज्यादा नहीं होगा। तो आप क्या कोशिश करोगे कि आप उस तरह से फॉलो करो जहां आपको ट्रैफिक ना मिले, ताकि आपकी स्पीड अच्छी सी मेंटेन रहे, होता है कि नहीं होता। कुछ ऐसा सा ही रिएक्शंस के अंदर भी होता है, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ जा रहा होता है तो उसके पास बहुत सारे रस्ते अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे पाथ अवेलेबल होते हैं, कहां तक, प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए, अपने फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए। उन्हीं पाथ को स्टूडेंट्स हम यहां पर क्या बुलाते हैं, मैकेनिज्म। और मैकेनिज्म आपका कहीं ना कहीं रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करने में हेल्प करता है, और उसी चीज को हम लोग यहां पर स्टडी करते हैं केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। तो कहीं ना कहीं अगर मैं लेमन भाषा में समझाना चाहूं तुम लोगों को, तो कहीं ना कहीं मैकेनिज्म का रेट ऑफ रिएक्शन से लेना देना होता है, इसलिए इसको यहां पर हम स्टडी करेंगे। क्या होगा वो डिटेल में जो बताऊंगा तो डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल पता चल चुका होगा कि क्या होता है, के काइनेटिक्स क्या होता है, केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जो इन तीन चीजों के बारे में बात करते हैं, राइट। तो चलिए इसे कॉपी कर लीजिएगा जल्दी वीडियो पॉज करके, फिर मैं इसको हटा करके आगे ले चलूंगा आप लोगों को रिएक्शन रेट को समझने के लिए, राइट, हटा दिया जाए। अच्छा, इस चैप्टर में एक चीज बता देता हूं, मैं बिल्कुल भी बेसिक से लेकर चल रहा हूं,
इस चैप्टर में बहुत सी आपको नई चीजें पढ़नी है, याद रखना भाई, इस चैप्टर में स्टूडेंट्स आपको बहुत सी नई चीजें पढ़नी है। इवन अभी तो इस चैप्टर के आप लोग खाली एबीसीडी पढ़ रहे हो और हमको एक्स वाई जेड तक जाना है, जेड तक जाना है हमें, और अभी हम लोग ए पर है। तो याद रखना जब मैं चैप्टर के बेसिक्स पढ़ाऊंगा आपको, तो स्टेप बाय स्टेप लिख के चलूंगा, धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हो सकता है आपको लगे कि सर थोड़ा स्लोली पढ़ा रहे, लेकिन वो चीज जरूरी है ताकि आपको चैप्टर समझ में आ सके। राइट, कॉपी कर लीजिए जल्दी से इसको, जी हटा दीजिए, चलिए कर लिया कॉपी, वीडियो पॉज करके फाइन। चलिए बात करते हैं हम लोग कि रिएक्शन की स्पीड या रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो इसको समझने के लिए चलिए बेसिक से एग्जांपल लेते हैं, हेडिंग डाल लीजिएगा रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, राइट, रेट ऑफ रिएक्शन जी। सो नाउ स्टूडेंट्स, रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें तो क्या होता है, तो अगर इसको बताना चाहे स्टूडेंट्स, तो इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस पर यूनिट टाइम। ये देखिए, अगर हम सिंपल सी डेफिनेशन लेके चले स्टूडेंट्स, तो डेफिनेशन से समझ में आ रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन की जो स्पीड होती है स्टूडेंट्स, उसको यहां पर हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि टर्म में स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन याद रखिएगा, मोलैरिटी यानी मोल्स पर लीटर की बात हो रही है। और स्टूडेंट्स यहां पर हम कॉन्सेंट्रेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप सभी लोग जानते हो, जब कभी किसी रिएक्शन में एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा होता है, तो यू ऑल नो दैट रिएक्टेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, टाइम के साथ साथ उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होती रहती है, कम होती रहती है, क्या होती रहती है, कम होती रहती है, कम होगा कंज्यूम होगा तभी तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, राइट। और प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो वहां पर क्या होता है, जैसे जैसे रिएक्शन चलती है आपका प्रोडक्ट धीरे धीरे बनता रहता है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन बढ़ती रहती है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ती रहती है। तो याद रखना, जब कभी हम लोग स्पीड के बारे में या वेलोसिटी, फिजिक्स में हमने पढ़ा होगा वेलोसिटी एंड स्पीड, राइट, तो जब भी हम इनके बारे में स्टूडेंट्स बात करते हैं तो टाइम के रिस्पेक्ट में बात करने होती है, क्योंकि बदलाव आ रहा है लेकिन टाइम के साथ साथ बदलाव को कैलकुलेट करना होता है, राइट। और क्योंकि अब रिएक्शंस के अंदर टाइम के साथ साथ सिर्फ एक ही चीज बदल रही होती है, और वो क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन। तो भैया केमिस्ट्री के अंदर, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन बताने के लिए भी हम किसको यूज कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन का बदलाव टाइम के साथ, किसके साथ, कॉन्सेंट्रेशन का चेंज टाइम के साथ, राइट। चलिए, सो रेट ऑफ रिएक्शन को अगर मैं बताना चाहूं तो मैथमेटिकली अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन बताऊं आपको, तो रेट ऑफ रिएक्शन मैथमेटिकली समझते हैं क्या होता है, इट इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में चेंज इन टाइम, अपॉन में चेंज इन टाइम। तो याद रखिएगा, सरल शब्दों में बिल्कुल बेसिक परिभाषा को यूज करते हुए रेट ऑफ रिएक्शन हम क्या पढ़ेंगे, कि रेट ऑफ रिएक्शन होता है कि भैया कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज आया, ध्यान सुनेगा, कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज आया, किसके साथ, टाइम के चेंज के साथ, दैट मीन्स हाउ द चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन अकर विद योर चेंज ऑफ विद योर रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, कि विद टाइम चेंजिंग हाउ योर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस चेंजेस, टाइम बदलने के साथ कॉन्सेंट्रेशन में क्या चेंज आया, इसी के बारे में हम उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, रेट ऑफ अ रिएक्शन, इसी को क्या बोलेंगे, रेट ऑफ अ रिएक्शन। अब सब्सटेंस अगर हम बात करें तो वो आपका रिएक्टेंट भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट, वो भी जानेंगे, लेकिन याद रखिएगा, नाउ फ्रॉम थ्रू आउट दिस चैप्टर, अब इस पूरे चैप्टर के बारे में, क्योंकि पूरा चैप्टर इसी के बारे में है, तो याद रखना पूरे चैप्टर में जो फंडामेंटल फॉर्मूला है स्टूडेंट, वो यही होने वाला है, वो बहुत अलग है, इसी को हम अलग फॉर्म में पढ़ेंगे, अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको रेट ऑफ रिएक्शन में अलग टाइप के होते हैं, तो ये फॉर्मूले का चेहरा बदल जाएगा, क्या बदल जाएगा, चेहरा बदल जाएगा, फेस बदल जाएगा, लेकिन याद रखना फॉर्मूला, जो कोर कंसेप्ट रहेगा, जो बेसिक आइडिया रहेगा फॉर्मूले का, वो यही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इट विल रिमेन सेम। हमेशा न्यूमिरेटर में क्या रखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन, डिवाइडर में क्या रखेंगे, टाइम। हाँ, गैसेस वाले केस में मैं न्यूमिरेटर में प्रेशर भी लेके चल सकता हूं, वो बताऊंगा आपको बाद में, राइट। फिलहाल इतना समझ आता है आप सभी लोगों को, राइट, कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है आप लोगों का, रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। चलिए, अब स्टूडेंट्स क्योंकि स्पीड के बारे में बात हो रही है, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात हो रही है, तो स्टूडेंट्स रेट ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे हम लोग यहां पर बात करते हैं रिएक्शन के टाइप्स ऑफ रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ रेट, कि रेट के बेसिस पे, स्पीड के बेसिस पे स्टूडेंट हम रिएक्शन को कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, पहली आ जाती है स्टूडेंट्स आप लोगों की वेरी फास्ट रिएक्शन, एक्सट्रीमली फास्ट, इतनी फास्ट कि भैया विद द ब्लिंक ऑफ आई रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना देगा। तो याद रखना स्टूडेंट्स, अगर मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूं तो जनरली ऑल द आयनिक रिएक्शंस इसके एग्जांपल होते हैं, जनरली ऑल द आयनिक रिएक्शंस आप लोगों की जो है वेरी फास्ट रिएक्शन होती है, आपकी आयनिक रिएक्शन होती है ना स्टूडेंट्स,
जैसे कि ये रिएक्शन ले लो, NaOH प्लस HCl आपका क्या बना के देगा, आयनिक कंपाउंड बनाएगा, साथ में क्या बनेगा, बाय प्रोडक्ट मिलेगा वाटर। तो स्टूडेंट ये रिएक्शन बहुत क्विक है, बहुत फास्ट रिएक्शन है, इतनी फास्ट कि ऑलमोस्ट आप लेके चलो कि इसको होने के लिए 10^-12 से लेकर 10^-16 सेकेंड्स, इतने सेकेंड्स में ये रिएक्शन पूरी हो जाती है। इतने सेकंड में ये दोनों एसिड और बेस रिएक्ट करके NaCl वाटर बना देते हैं, बहुत क्विक रिएक्शन, विद अ ब्लिंक ऑफ आई खत्म हो जाएगा, स्टडी कर ही नहीं पाओगे। जो पैरामीटर्स पढ़ने के लिए शुरू करा था काइनेटिक्स, वो चीज हाथ में ही नहीं आएगी, बहुत क्विक रिएक्शन होती है, राइट। बिल्कुल, इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, आपका BaCl2 प्लस H2SO4, बिल्कुल सही। तो ये होता है बेरियम सल्फेट और साथ में मिलेगा 2HCl, अरे वाह। तो स्टूडेंट ये क्या होता है, ये भी आपकी एक आयनिक रिएक्शन होती है, जो कि अगेन बहुत फास्ट रिएक्शन में कंसिडर करा जाता है इसको, राइट। सेकेंड लिख लेता है स्टूडेंट, सेकेंड आपकी आ जाती है वेरी स्लो रिएक्शन। इसमें होता है बेसिकली कौन कौन सी रिएक्शन आती है स्टूडेंट्स, रिएक्शन विच मे टेक मोर देन वीक और मंथ, एक हफ्ते से पहले ज्यादा रिएक्शन टाइम ले ले, या मंथ से ज्यादा, एक महीने से ज्यादा टाइम ले ले। यानी रिएक्शन चल रही है भैया, एक हफ्ते तक चल रही तो चली रही है, एक महीने तक चल रही है तो चली रही है। तो अगर यहां पर आपका टाइम रिएक्शन का इतना ज्यादा लग रहा है कि भैया एक एक हफ्ते के, एक महीने तक रिएक्शन चल रही है, तो स्टूडेंट उनको यहां पर हम कैटेगराइज करते हैं वेरी स्लो रिएक्शन, राइट। अगर मैं स्टूडेंट्स ऐसी रिएक्शन का आपको एग्जाम्पल दू, तो इसका एग्जाम्पल आता है स्टूडेंट्स आपका रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या आता है स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये इसके कैटेगरी में आ जाता है, राइट। तो ये बहुत ही स्लो रिएक्शन होती है, आप लोग जानते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन कंडीशन फॉलो होते ही इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, जहां पे आपका आयरन कन्वर्ट हो जाता है रस्ट के अंदर, तो बहुत टाइम लगता है इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये बहुत स्लो रिएक्शन, याद रखिएगा केमिकल काइनेटिक्स के अंदर स्टूडेंट्स, ना ही तो हम ऐसी रिएक्शन को स्टडी करते, ना ही ऐसी रिएक्शन। केमिकल काइनेटिक्स में हमें जिन पैरामीटर्स को समझते हुए रिएक्शन को स्टडी करना होता है, वो चीजें ना ही तो हम यहां से पता कर सकते हैं, ना यहां से पता कर सकते हैं, ये दोनों रिएक्शन हमारे किसी काम की नहीं होती। तो बेसिकली हमारे स्टूडेंट्स रिएक्शंस कौन से काम की होती है, याद रखिएगा, यहां लिख देता हूं मैं सी टाइप, हमारे स्टूडेंट्स यहां पर काम की होती है आप लोगों की मॉडरेट रिएक्शंस। कौन सी स्टूडेंट्स, हमारी मॉडरेट रिएक्शंस हमारे एक्चुअल काम की होती है। मॉडरेट रिएक्शंस बन रहा जनरली आपकी जितनी भी रिएक्शंस होती है, जो बेसिकली मतलब क्या मॉडरेट का, जो ना ही तो ज्यादा फास्ट हो ज्यादा स्लो, मतलब भैया ना ज्यादा फास्ट चले ना स्लो चले, मॉडरेट रिएक्शन स्पीड से चले, तो उसको हम लोग मॉडरेट रिएक्शन की बात कह सकते हैं, राइट। इसके अंदर आपके स्टूडेंट बहुत सारे एग्जांपल आ जाते हैं, इसमें स्टूडेंट्स आप लोगों का हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, जिसमें आपको वो एसिड और अल्कोहल बना कर देता है, ये एक मॉडरेट रिएक्शन है, इसको हम स्टडी कर सकते हैं। मैं नाम लिख देता हूं, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर हो गया आपका, डीकंपोजिशन ऑफ NH4 अमोनियम नाइट्रेट का डीकंपोजिशन, बिल्कुल सही, जो कि क्या बना के देता है आपको, वाटर प्लस N2। तो ये सारे जो हमारे हैं स्टूडेंट, दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ योर मॉडरेट रिएक्शन। और याद रखना काइनेटिक्स के अंदर जब भी हम कुछ स्टडी करते हैं, कुछ पता लगाते हैं, तो वहां पे स्टूडेंट्स हम इन्हीं रिएक्शंस की बात करते हैं, याद रखना वहां पे हम लोग स्टूडेंट्स ऐसी रिएक्शंस के बारे में ही स्टडी करते हैं, राइट। तो याद रखिएगा रिएक्शन के रेट के बेसिस पे, स्पीड के बेसिस पे हम लोग रिएक्शंस को इन तीन हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, स्लो फास्ट और मॉडरेट, हमारे काम की मॉडरेट है। और अब आगे जितनी भी बात करेंगे स्टूडेंट हम लोग बात करेंगे मॉडरेट के बेसिस पे, राइट। तो चलो जल्दी से वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लो इसको फटाफट, जी जल्दी से कर लिया कॉपी, 3 2 1 हटा दे चलिए आगे देखते हैं आप कि और क्या क्या बातें कर सकते हैं हम लोग इनके बारे में। चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स आगे। अब हमने स्टूडेंट्स रिएक्शन की स्पीड के बेसिस पे टाइप्स ऑफ रिएक्शन स्टडी कर लिया, बिल्कुल सही। और अब स्टूडेंट हम स्टडी करने जा रहे हैं आपके टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, कि रेट ऑफ रिएक्शन में कितने टाइप्स के होते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन में आपके कितने टाइप के होते हैं, राइट। चलिए
तो इसमें स्टूडेंट दो टाइप आते हैं। पहला मैं आपको स्टडी करा रहा हूं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, बिल्कुल सही। समझने के लिए चलो एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। लेट से मान लो हाइपोथेटिकल रिएक्शन लेते हैं स्टूडेंट्स। लेट से मान के चलो आपके ए और बी बना करके दे रहे हैं सी और डी। ए और बी यहां पे आपके रिएक्टेंट है, सी और डी यहां पे आप लोगों के प्रोडक्ट है, राइट। तो स्टूडेंट्स ये आपके यहां पर बन जाएंगे रिएक्टेंट, बिल्कुल सही। ये आपके यहां बन जाएंगे प्रोडक्ट, राइट। सो स्टूडेंट्स अब एक्चुअल फॉर्मूला जो हम लोग यूज करने वाले हैं रेट ऑफ रिएक्शन के लिए वो तो सेम ही रहेगा, राइट। कॉन्सेंट्रेशन न्यूमिरेटर में, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन न्यूमिरेटर में, और चेंज इन टाइम आपका डिनोमिनेटर के अंदर। सो यहां पर स्टूडेंट्स अगर एवरेज रेट की बात करो तो ध्यान सुनेगा सब लोग। एवरेज रेट को स्टूडेंट स्टडी करने के लिए काम करते हैं, यहां पर हम एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, उस ग्राफ के बेसिस पे हम लोग सब कुछ स्टडी करेंगे, राइट। चलिए ये जो स्टूडेंट मैं ग्राफ बता रहा हूं आप लोगों को, ये ग्राफ है स्टूडेंट्स आप लोगों का कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, जहां पर हम लोग स्टूडेंट्स याद रखिएगा एक्स एक्सिस पे कॉन्स्टेंट टाइम लेंगे और स्टूडेंट्स वाई एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब समझ जाना भाई, मोल्स पर लीटर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है स्टूडेंट्स? मोल्स पर लीटर की बात हो रही है और टाइम के साथ इसका ग्राफ प्लॉट हो रहा है, राइट, बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स अब मैं अगर बात करूं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में, तो ध्यान सुनेगा ये रेड कर्व और दूसरी तरफ अगर हम बनाए तो स्टूडेंट दूसरी तरफ हमारे पास आ जाता है एक और ये कर्व, ठीक है। याद रखिएगा स्टूडेंट ये जो पर्टिकुलर पॉइंट होता है ग्राफ का, ये टी इक्वल टू जीरो होता है, ये भी स्टूडेंट्स आप लोगों का टी इक्वल टू जीरो होता है, राइट। सो नाउ स्टूडेंट एज यू कैन सी कि यहां पर जो रेड कर्व है ये बेसिकली स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट कर रहा है आपके रिएक्टेंट को, और स्टूडेंट जो ब्लू कर्व है ये बेसिकली आपके रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? प्रोडक्ट को। किसको स्टूडेंट्स? प्रोडक्ट को। अब देखिए क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे पता चलेगा, जब टाइम के साथ साथ कॉन्सेंट्रेशन में बदलाव आएगा। अब वो चाहे कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हो रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का, राइट। रिएक्टेंट को ग्राफ क्यों है ये स्टूडेंट? जैसे कि आप यहां देख सकते हो कि T इक्वल टू जीरो का मतलब होता है कि रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ, अभी रिएक्शन मतलब कि रिएक्टेंट ने भी प्रोडक्ट फॉर्म करना शुरू करा, प्रोडक्ट अभी नहीं बना, रिएक्टेंट ने भी रिएक्ट करना शुरू नहीं करा। तो यहां तक ना, यहां पे मुझे T इक्वल टू जीरो पे रिएक्टेंट आपका मैक्सिमम क्वांटिटी भी होता है, और एज यू कैन सी जैसे ही आपका टाइम स्टार्ट होगा, टाइम स्टार्ट होने का मतलब रिएक्शन स्टार्ट हो गया, और रिएक्शन स्टार्ट होने का मतलब क्या है कि आपका कर्व अब नीचे आना शुरू कर देगा। कॉन्सेंट्रेशन आप जानते हैं रिएक्टेंट की ओवर द पीरियड टाइम कम होती रहती है, तो ये जो डिक्रीज ग्राफ ना रेड कलर का, ये आपके रिएक्टेंट की डिक्रीज कॉन्सेंट्रेशन बता रहा है कि भैया जैसे जैसे रिएक्शन चलती रहेगी रिएक्टेंट कम होता रहेगा। टच नहीं करेगा, आप काफी लोगों को डाउट आ रहा होगा क्या टच करेगा एक्सेसिस को, तो आंसर इज नो, टच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा बताऊंगा थोड़ी देर में। सेम वे स्टूडेंट ये ग्राफ है प्रोडक्ट का, जैस यू ऑल नो कि जब टी इक्वल टू जीरो होता है, जब रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट बनाया ही नहीं तो क्या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी? आंसर इज नो, प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। तो ये ग्राफ जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होगा, और एज यू कैन सी अगेन जैसे टाइम चलता रहेगा रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा होता है प्रोडक्ट के अंदर, बिल्कुल सही। तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती रहेगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि एक पॉइंट पर आकर लगभग कॉन्स्टेंट हो जाता है, इसको हम लोग इक्विलिब्रियम बुलाते हैं। इक्विलिब्रियम कह लो या तुम ये कह लो कि भैया ये एक रिएक्शन में इतना ही प्रोडक्ट बन सकता था, इससे ऊपर नहीं जाएगा, इससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की उस रिएक्शन में नहीं मिलती, इसको हम ऐसे भी स्टडी करते हैं। बेसिकली ये जो रेड कर्व यहाँ पर टच नहीं कर रहा और ये भी बाहर आके एकदम एंड पे आके पैरेलल हो जाता है, देख रहे ना ब्लू कर्व आपको एकदम एक्सेस के पैरेलल हो चुका है लगभग, राइट। तो स्टूडेंट चैप्टर में आगे भी स्टडी करेंगे ड्रिल में, लेकिन फिलहाल मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए इस ज्यादातर जो रिएक्शंस होती है ना केमिस्ट्री के अंदर, या हम कह लीजिए आर्टिफिशियल कह लो, नेचुरल कुछ भी कह लो स्टूडेंट, कोई भी रिएक्शन है कभी भी 100% एफिशिएंट या 100% कंप्लीट नहीं होती। कोई भी रिएक्शन कभी 100% कंप्लीट नहीं होती, मतलब हमेशा थोड़ा सा कहीं ना कहीं रिएक्टेंट बचा रह जाता है और प्रोडक्ट पे एक पॉइंट पर आकर अपना आपको इक्विलिब्रियम अचीव कर लेता है। क्या कर लेता है? इक्विलिब्रियम अचीव कर लेता है। तो याद रखिएगा आप लोग यहाँ पर कोई भी ऐसी रिएक्शन नहीं होती केमिस्ट्री के अंदर तो 100% अपने एंड पर पहुंच जाए, कि कभी भी ऐसा नहीं देखा जाता कि एक कर्व बिल्कुल ही टच कर जाएगा एक्सेस को, नहीं होगा, और ऐसा नहीं होगा कि कभी भी एक कर्व बिल्कुल एकदम मैक्सिमम पर जाकर रुक जाए, ऐसा नहीं होता। तो याद रखिएगा कि प्रैक्टिकली याद रखना केमिस्ट्री में ज्यादातर 90-95% रिएक्शन होती है 100% कंप्लीशन में कभी नहीं पहुंचती, इसलिए इनको हमको ऐसा रखना पड़ता है, राइट। क्यों नहीं पहुंचती, कैसे नहीं पहुंचती, ये सब हमें आगे पढ़ना है, यही इस चैप्टर के अंदर हमको स्टडी करना है, राइट। चलिए तो स्टूडेंट्स अब देखिए आपको एवरेज रेट स्टडी करना है, तो आप सब लोग जानते हो स्टूडेंट एवरेज रेट स्टडी करने का जो तरीका होता है, क्या करेंगे स्टूडेंट तरीका को स्टडी करने के लिए, हम एक काम करते हैं इस रेड कर्व के ऊपर मैं काम करता हूं, मैं दो पॉइंट मान लेता हूं, एक है आपका इनिशियल पॉइंट आई और एक है स्टूडेंट्स आपका फाइनल पॉइंट एफ। ये इनिशियल पॉइंट है फाइनल पॉइंट, ये पॉइंट पहले आएगा ये पॉइंट बाद में आएगा, बिल्कुल सही।
अब एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, इस कर्व के अलॉन्ग मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पर इनिशियल पॉइंट है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा मेरे को, इनिशियल टाइम, और स्टूडेंट इसी पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग, इसी पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे को यहां पर मिलेगी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सी आई, और ये पॉइंट फाइनल है क्योंकि मैं इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सही। तो स्टूडेंट्स यहां पर मेरे को मिलेगा फाइनल टाइम, और इसी पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग स्टूडेंट्स मेरे को यहां पर क्या मिलेगा, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज सी आर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब जो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा एक्चुअल फॉर्मूला था हम उसी को यूज करने वाले हैं, राइट। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या फॉर्मूला बनता है, देखिएगा, ये देखिएगा एवरेज रेट अगर स्टडी करना हो तो स्टूडेंट यहां देखिएगा सब लोग, अब अगर हमें यहां से स्टूडेंट्स एवरेज रेट निकालना हो तो देखो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, और आप सब लोग जानते हैं चेंज कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, चेंज हम लोग निकालते हैं फाइनल वैल्यू में से किसको माइनस करके इनिशियल। मैंने आपको पढ़ाया था फॉर्मूले के अंदर न्यूमिरेटर में, अगर आपको याद हो तो न्यूमिरेटर में आप लोगों का कॉन्सेंट्रेशन था, तो स्टूडेंट्स चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, टाइम भी कैसे निकालेंगे, फाइनल में से इनिशियल माइनस, फाइनल में से यार एक तो ये दिक्कत, फाइनल में से स्टूडेंट्स इनिशियल को माइनस करके, तो स्टूडेंट्स ये जो फैक्टर है ये मेरे को क्या दे देगा, एवरेज रेट देगा, क्या देगा स्टूडेंट्स, एवरेज रेट। देखो एवरेज रेट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, एवरेज रेट का मतलब होता है जब हमारे पास एक अच्छा खासा टाइम इंटरवल हो ना, अच्छा खासा टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल मतलब कि मान के चलो कोई रिएक्शन चल रही है और मैं आपसे बोल रहा हूं कि मुझे बताइए कि रिएक्शन की स्पीड कितनी थी, जब रिएक्शन की चलते चलते मान लो कोई रिएक्शन है 5 मिनट पूरी होने वाले, राइट, रिएक्टर ने रिएक्शन देनी शुरू करी, मान लो मैं आपको बोल रहा हूं कि भैया रिएक्शन के अंदर मुझे बताइए 1 मिनट से 2 मिनट के बीच में कितनी स्पीड थी, तो स्टूडेंट आपके पास टाइम इंटरवल, एक टाइम इंटरवल दिया मैंने कि भैया इतने से इतने तक बताओ, 1 मिनट से 2 मिनट तक के बीच का बताओ, तो स्टूडेंट दैट टाइम इंटरवल बिटवीन 1 मिनट टू 2 मिनट गिव्स यू द एवरेज रेट, कि इन दैट टाइम इंटरवल की एवरेज स्पीड, ओवरऑल रिएक्शन की जो एवरेज या मीन स्पीड जिसे हम कहते हैं वो कितनी बनी हुई थी। तो याद रखना स्टूडेंट एवरेज की बात हम वहां पर करते हैं जब हमारे पास टाइम इंटरवल बहुत अच्छा खासा हो, याद रखना टाइम इंटरवल बहुत अच्छा खासा हमारे पास अवेलेबल, राइट। चलिए नाउ एज यू कैन सी स्टूडेंट्स, सॉरी यहां पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि जब मैं सी एफ बाई सी आई को स्टूडेंट यहां पर मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा सी लिख सकता हूँ डिवाइड बाई फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, स्टूडेंट्स क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, पढ़ा होगा आपने चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं और चेंज इन टाइम को डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। लेकिन अब आते हैं स्टूडेंट्स के मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस में, याद रखना स्टूडेंट्स कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव नहीं हो सकता, याद रखिएगा रेट ऑफ रिएक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव, नेगेटिव कभी नहीं रह सकता, तो उसको पॉजिटिव रखने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, एज यू कैन सी कि इस वाले केस में जो डेल्टा सी मिलेगा ना मेरे को, ये जो माइनस करके सब्ट्रैक्ट करके जो एक्चुअल वैल्यू मिलेगी वो नेगेटिव मिलेगी, क्या मिलेगी, नेगेटिव। क्यों मिलेगी नेगेटिव, आप देख सकते हो कि फॉर्मूला है सी एफ माइनस सी आई, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल, और आप देख सकते हो स्टूडेंट्स की रिएक्टेंट के लिए फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, थोड़ी कम है और इनिशियल ज्यादा है, तो जब आप कम वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस करोगे तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। तो स्टूडेंट याद रखना क्योंकि एवरेज रेट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए स्टूडेंट हम इस फॉर्मूले में हमेशा नेगेटिव लगाते हैं, याद रखना जब कभी भी किसी रिएक्शन में हम रिएक्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन स्टडी करेंगे ना स्टूडेंट, तो याद रखना हम लोग हमेशा एवरेज रेट के आगे क्या लगाएंगे, नेगेटिव साइन, क्या लगाएंगे, नेगेटिव साइन, ताकि हमारा ओवरऑल जो रेट ऑफ एवरेज रेट जो आए वो क्या है, पॉजिटिव आए। ठीक है, सिर्फ किसके लिए बात कर रहा हूं मैं, आपके रिएक्टेंट के लिए, किसके लिए स्टूडेंट्स, आपके रिएक्टेंट के लिए, राइट। सेम चीज हम लोग प्रोडक्ट के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं, अगेन स्टडी करने के लिए अगेन इस कर्व पे 2 पॉइंट ले लो, एक ले लो पॉइंट आई जो कि होगा इनिशियल पॉइंट, और एक पॉइंट ले लो एफ जो कि होगा आपका फाइनल पॉइंट, राइट। अगेन सेम वे इस पॉइंट के अलॉन्ग यहां पर आपको मिलेगा इनिशियल टाइम, और स्टूडेंट इस पॉइंट के अलॉन्ग आपको जो मिलेगा वो मिलेगा फाइनल टाइम, राइट। कॉरेस्पॉन्डिंग यहां पे आपको मिलेगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और इसे कॉरेस्पॉन्डिंग जो मिलेगा वो मिलेगा आपको फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। अगेन इस टाइम इंटरवल के दौरान स्टूडेंट्स, इस टाइम इंटरवल के दौरान आपको मिल जाएगा एवरेज रेट, क्योंकि अगेन आप बात कर रहे हो टाइम इंटरवल, देख रहे हैं आपको अगेन यहाँ पे क्या मिल रहा है, टाइम इंटरवल मिल रहा है, बीच में सर्टेन टाइम मिल रहा है, राइट। तो इस बार भी स्टूडेंट सेम फॉर्मुला यूज कर लेते हैं हम लोग, फॉर्मुला था चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन दैट इज अगेन सी एफ माइनस सी आई अपॉन में चेंज इन टाइम दैट इज टी एफ माइनस टी आई, दिख रहा है ना सबको भाई, समझ आ रहा है। लेकिन स्टूडेंट इस बार आप देख सकते हो कि देखो फॉर्मूला लगभग लगभग सेम आएगा, लेकिन इस केस में स्टूडेंट्स मुझे नेगेटिव पुट करने की जरूरत नहीं होगी, देख रहे हैं आप लोग, नाउ दिस टाइम देयर इज नो नीड ऑफ पुट अ नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस बार आप देख सकते हैं कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कम है फाइनल ज्यादा है, प्रोटोकॉल के देखो बढ़ रहा है ना कॉन्सेंट्रेशन, बढ़ रही है,
तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली बात है भैया फाइनल ज्यादा होगी, इनिशियल कम होगी। तो बड़े में से जब छोटे को माइनस करोगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। तो याद रखना इन दोनों फॉर्मुले में एवरेज रेट, चाहे तुम रिएक्टेंट का निकालो चाहे प्रोडक्ट का, याद रखना ये दोनों ग्राफ स्टडी करने का पर्पज था कि मैं तुम्हें डिस्टिंग्विश करना सिखा सकूं कि रिएक्टेंट के बारे में और प्रोडक्ट के बारे में कैसे जानते हैं काइनेटिक्स में। क्योंकि याद रखना जब कोई भी स्टूडेंट रेट ऑफ रिएक्शन की बात होगी तो याद रखेगा हमेशा हमेशा याद रखना भैया कि वो आपका कभी भी क्वेश्चन बताएगा नहीं रिएक्टेंट कौन है प्रोडक्ट कौन है किसका रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ, राइट। सो यहां से आपको समझ आ रहा है कि एवरेज रेट हमेशा पॉजिटिव रहेगा। एवरेज रेट तो क्या स्टूडेंट, बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव रहेगा, चाहे तुम एवरेज की बात करो या इंस्टेंटेनियस की बात करो जो मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा आपके साथ, राइट। सो रिएक्टेंट वाले केस में नेगेटिव पुट करना पड़ेगा, प्रोडक्ट वाले केस में नेगेटिव की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो यहां से स्टूडेंट्स हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं दैट एवरेज रेट जो होगा वो स्टूडेंट्स आपका रहेगा, अच्छा डेल्टा सी को, क्योंकि मैं रिएक्टेंट के बारे में बात करूंगा तो उसको मैं लिख दूंगा डेल्टा आर, आर स्टैंड फॉर रिएक्टेंट अपॉन विद डेल्टा टी, ठीक है। आर का मतलब ये मत समझाना भैया कि आर कुछ और सब्सटेंस की बात कर रहा हूं, आर यहां पर रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। फॉर्मूला वही है बस अगेन नोटेशन चेंज कर रहा हूं, ठीक है। डेल्टा आर बाय डेल्टा टी मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा डीपी अपॉन डेल्टा टी, पी अगेन स्टैंड फॉर प्रोडक्ट, सेम वे। तो स्टूडेंट्स किसी रिएक्शन का अगर हम एवरेज रेट बताना चाहें, ध्यान सुनेगा, एवरेज रेट अगर स्टूडेंट बताना चाहे, चलो ये प्लस साइन नहीं लगाता मैं फिलहाल समझाने के लिए, ठीक है। तो याद रखना स्टूडेंट किसी भी रिएक्शन का एवरेज रेट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, याद रखना रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्टेंट, और याद रखना वो किसके इक्वल होगा हमेशा रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोडक्ट के। रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोडक्ट का मतलब कि भैया लॉजिकल सोचो, दिमाग से सोचे अगर स्टूडेंट्स, तो जितनी तेजी से, ध्यान सुनना, जितनी तेजी से रिएक्टेंट कम होगा स्टूडेंट उतनी ही तेजी से तो प्रोडक्ट बनेगा, होगा कि नहीं होगा, सिंपल सी बात है भाई। रिएक्टेंट अगर धीरे धीरे रिएक्ट कर रहे हैं आपस में तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्ट भी जो रिएक्शन बनेगा वो कैसा बनेगा, धीरे धीरे बनेगा, लॉजिकल बात है, राइट। और अगर मान लो रिएक्टेंट बहुत तेजी से बन रहे हैं, रिएक्टेंट बहुत तेजी से रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्शन बहुत क्विकली, बहुत रैपिडली रिएक्शन चल रही है, तो ऑटोमेटिकली बात है वहां पर प्रोडक्ट भी बहुत जल्दी जल्दी बनेगा। तो यहां पर कहीं ना कहीं हम कंक्लूड कर सकते हैं कि भैया जो रिएक्टेंट की स्पीड होगी वो हमेशा किसकी स्पीड के इक्वल होगी, प्रोडक्ट की। किसकी स्पीड के इक्वल होगी, प्रोडक्ट की। तो याद रखना स्टूडेंट्स किसी भी रिएक्शन का जो एवरेज रेट होता है वो याद रखना हमेशा रिएक्टेंट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोडक्ट के, रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्टेंट के और रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोडक्ट के, ये याद रखना दोनों चीजें हमेशा इक्वल होगी। रिएक्टेंट के अगर कॉन्सेंट्रेशन में बदलाव जल्दी जल्दी आ रहे हैं, जल्दी जल्दी आने का मतलब कि रिएक्टेंट बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है, तो ऑब्वियस बात है प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन के अंदर भी जल्दी जल्दी बदलाव आएगा। ये जो डेल्टा पी है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में भी जल्दी जल्दी चेंज आने देखने को मिलेगा, इसका मतलब कि प्रोडक्ट भी वहां जल्दी जल्दी बन रहा है। और अगर मान लो रिएक्टेंट ही बहुत धीरे धीरे रिएक्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे कंज्यूम हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट भी बहुत धीरे धीरे फॉर्म होगा। समझा रहे हैं इतनी बात आप लोगों को? तो याद रखना रिएक्टेंट की स्पीड और प्रोडक्ट की स्पीड हमेशा सेम रहेगी। खाली याद रखना ये जो नेगेटिव साइन है, अब मैं यहां पे प्लस दिखा देता हूं आप लोगों को, और ये जो पॉजिटिव साइन है, याद रखना अगर मैं यहां पर इन दोनों की बात करूं तो याद रखना यहां पर साइन साइन सिग्निफाई द ओवरऑल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। याद रखना भाई ये जो पॉजिटिव नेगेटिव साइन है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा ये आपके रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, ये आपके रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको कि भैया आप रिएक्टेंट के बारे में बात कर रहे हो या प्रोडक्ट के बारे में, राइट। रिएक्टेंट वाले केस में हमेशा याद रखना भैया क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन कम होती रहती है तो मेक द रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव नेगेटिव लगा देंगे, प्रोडक्ट में प्लस साइन का मतलब है कि भैया मामला बिल्कुल डन है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो दिस इज हाउ स्टूडेंट्स वी डिफाइन द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। स्टूडेंट्स याद रखना इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं किसी रिएक्शन का एवरेज रेट, राइट। तो एवरेज रेट निकालना सब लोगों को समझ में आ रहा होगा इस ग्राफ के बेसिस पे और इसके बेसिस पे, राइट। तो कॉपी कर लीजिएगा इसको, जरा वीडियो पॉज करके फटाफट से जल्दी से वीडियो को पॉज करके कॉपी कर ले, फिर इसको मैं रब करने जा रहा हूं जी। आ गया मैं, सॉरी। चलो अब कॉपी कर लो, हटा दू, पॉज करके कर लिया कॉपी, श्योर चले आगे। चलिए अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स अब आगे बात करते हैं थोड़ी सी और। सो नाउ द नेक्स्ट पार्ट वी हैव हियर स्टूडेंट्स, नाउ सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन, इंटरेस्टिंग है चैप्टर, इसी के बारे में है बेसिकली देखा जाए तो। स्टूडेंट्स अगली रिएक्शन की जो टाइप है स्टूडेंट्स, इसको बुलाते हैं हम लोग आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बुलाते हैं इसको स्टूडेंट्स हम लोग आपका? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखो पहले फर्क समझ लेते हैं दोनों में फर्क क्या है, ठीक है।
एवरेज रेट बेसिकली स्टूडेंट्स, एवरेज का मतलब मैंने बताया था आपको कि अगर आपके पास टाइम इंटरवल अच्छा खासा है, जैसे मैंने बताया था आपको कि अगर रिएक्शन मान के चलो कोई रिएक्शन चल रही है और अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 30 सेकंड से 60 सेकंड के बीच में क्या रेट ऑफ रिएक्शन था, क्या एवरेज रेट मेंटेन कर रखा था रिएक्शन ने 30 से 60 सेकंड के बीच में, तो टाइम इंटरवल अच्छा खासा है, 30 सेकंड अच्छा खासा टाइम इंटरवल है 30 से 60 सेकंड के बीच का, राइट। तो वहां पर आपको स्टूडेंट्स मिलेगा एवरेज, क्या मिलेगा एवरेज अच्छा खासा टाइम इंटरवल होने के बाद। इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात होगी, पर्टिकुलर इंस्टेंट मतलब कि मान लो मैं आपसे बोलूं कि एग्जैक्टली 45 सेकंड पे कितना रेट ऑफ रिएक्शन था, अब मैंने टाइम इंटरवल नहीं दिया आपको, समझ रहे हैं आप, फील लीजिए कंसेप्ट के, कंसेप्ट के फील लेना जरूरी है स्टूडेंट्स, कि नाउ आई एम टेलिंग यू दैट टेल मी द रेट ऑफ रिएक्शन एट 45, एट मतलब नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर इंस्टेंट, नाउ आई एम आस्किंग यू टू कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम की बात हो रही है, अब टाइम इंटरवल नहीं है। So now when we are dealing with a particular instant, when we are dealing with a particular instant, time की जब बात हो रही होती है तो वहां स्टूडेंट याद रखिएगा हम एवरेज की ना बात करके किसकी बात करते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, किसके बारे में स्टूडेंट, इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस रेट स्टूडेंट समझने के लिए अगेन मैं इस ग्राफ को यूज करूंगा, इस ग्राफ की हेल्प से ही समझाऊंगा, ठीक है, कैसे चलिए देखते हैं। बेसिकली मैंने आपको समझाया स्टूडेंट्स कि देखो जब टाइम इंटरवल ज्यादा था, बहुत छोटा सा लॉजिक है समझ लो फटाफट, जब टाइम इंटरवल अच्छा खासा बड़ा था स्टूडेंट तो ऑटोमेटिकली बात है वहां पर हमारे को क्या था, वहां पर हमको स्टूडेंट्स क्या चाहिए था कि भैया टाइम इंटरवल ज्यादा था तो एवरेज रेट हमको मिल रहा था, राइट। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं इंस्टेंटेनियस के बारे में, इंस्टेंटेनियस का मतलब है स्टूडेंट्स कि अब मेरे को जो टाइम इंटरवल था डेल्टा टी, ये जो डेल्टा टी मुझे मिल रहा था पहले, ये मुझे छोटा करना है, क्या करना है, इनको बहुत पास लेकर आना है। पास लेने का मतलब क्या हुआ कि भैया टी आई और टी एफ को मैं एक दूसरे के बहुत पास लेकर आऊंगा, इस टाइम ड्यूरेशन को मैं छोटा कर दूंगा, कितना छोटा कर दूंगा, बहुत छोटा, इतना छोटा कर दूंगा स्टूडेंट्स कि मैं इसको ऑलमोस्ट, इसको मैं ऑलमोस्ट क्या लिखूंगा, दैट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, याद रखना डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो जाएगा, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का मतलब कि नाउ अगर देखो लॉजिक लगाओ स्टूडेंट्स, अगर मैं टी आई वाले पॉइंट को टी एफ की तरफ और टी एफ वाले पॉइंट को टी आई की तरफ लेके जाऊं तो ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट भी एक दूसरे के पास आना शुरू करेंगे, और जब ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के पास आएंगे तो कहीं ना कहीं ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, मीट करेंगे, एक दूसरे के अगर पास आना शुरू करेंगे, आते रहेंगे तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके एक दूसरे को बिल्कुल मिल जाएंगे, मीट करेंगे एक दूसरे को, और जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक दूसरे को मिलेंगे हम यहां पर क्या डिफाइन कर देंगे आप लोगों का, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट, यहां पर आपको मिल रहा है ना, देखो पर्टिकुलर इंस्टेंट मिल रहा है, एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम की बात हो रही है, अब ये नहीं दे रखा टी आई टी फाइनल, अब एक ही टाइम है सिर्फ, एक ही इंस्टेंट है, और ये एक इंस्टेंट कब मिल रहा है देख रहे हैं आप लोग, ये एक इंस्टेंट कब मिल रहा है, ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट कब एक दूसरे को आके मिल रहे हैं, जब टी आई और टी एफ एक दूसरे को बिल्कुल पास आ गए, क्या आ गए, एक दूसरे के बिल्कुल ओवरलैप कर गए, ओवरलैप का मतलब क्या हुआ कि डेल्टा टी को हमें क्या बनाना पड़ेगा, ऑलमोस्ट जीरो, क्या बनाना पड़ेगा, ऑलमोस्ट जीरो, चलो टेंस नहीं लिखता मैं, ये लिख देता हूं ऑलमोस्ट जीरो, डेल्टा टी ऑलमोस्ट जीरो बनाना पड़ेगा, छोटा बनाना पड़ेगा डेल्टा टी को, और मैथमेटिक्स की भाषा में ध्यान सुनेगा स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स की भाषा में इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग स्टूडेंट्स लिमिट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, पढ़ा होगा आप लोगों ने, यस मैथमेटिक्स में, नहीं पढ़ा तो जिनको जो नॉन मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बता देता हूं कि स्टूडेंट इस पर्टिकुलर चीज को व्हेन अ पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑलमोस्ट जीरो की तरफ आने वाली होती है, ऑलमोस्ट जीरो की उसकी वैल्यू होने जब वाली होती है तो उसको मैथमेटिक्स में हम लिमिट्स, लिमिट का मतलब कि लिमिट लग जाएगी भैया वहां पर, हम लिमिट पर पहुंच चुके हैं, राइट। बाकी तो मैथमेटिक्स का इसका मेन सिग्निफिकेंस है, फिजिक्स में पढ़ रखा होगा आपने इसके बारे में, काफी अच्छे से कंसेप्ट पता होगा जी। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, लिमिट लगा देंगे, तो बेसिकली हो क्या रहा है स्टूडेंट यहां देखिएगा, अब मैं आप लोगों को स्टूडेंट्स इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन एवरेज वाले से ही कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, एवरेज वाले से, कुछ अलग नहीं करना, एवरेज से ही कैलकुलेट करेंगे, वो वाला तरीका नहीं समझा रहा कि भैया स्लोप ले लिया, टेन थीटा निकाल दिया, लाना फलाना कर दिया, वो सब नहीं कर रहे, वो थोड़ा इनकन्वीनियंट तरीका होता है और जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए वो समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ग्राफ ये समझ आ जाता है तो इससे इस चीज को समझना बहुत आसान है, राइट। सो बातें बहुत हो गई, पॉइंट पे आता थे, ठीक है, बातें मैं तुम लोगों से इसलिए करूं ताकि तुम लोगों को नींद आए, तो तुमको लगेगा मैं सर बोलते जा रहे हैं और तुम लोग यहां पर सुनते जा रहे हो, ठीक है। तो आता हूं पॉइंट पे दोबारा तुम लोगों को लेकर, भाई बोर तो नहीं हो रहा ना लेक्चर, बच्चों आई हो तुम लोगों को बोर ना लगे, ठीक है, थोड़ा कोशिश करो, थोड़ा और अभी इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा आएगा, ठीक है। सो इंस्टेंटेनियस के लिए बेसिकली हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, हम लोग एवरेज रेट के ऊपर, एवरेज रेट के ऊपर क्या लगा दिया मैंने, लिमिट लगा दी, और लिमिट कैसे लगा दिया स्टूडेंट, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, क्या कर दिया स्टूडेंट्स, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो कर दिया। और आप लोग जानते हो स्टूडेंट्स एवरेज रेट का फॉर्मूला अभी भी लिखा था हम लोगों ने, डेल्टा सी बाय डेल्टा टी होता है, बिल्कुल सही। तो स्टूडेंट यहां से हमारे पास इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला आ सकता है, दैट इज लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो,
तो आप लोगों ने स्टूडेंट्स पढ़ रखा होगा इसके बारे में, जब डेल्टा के ऊपर लिमिट्स लग जाती है डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो स्टूडेंट्स इसी पर्टिकुलर चीज को स्टूडेंट्स अब इसी पर्टिकुलर चीज को स्टूडेंट्स हम लोग एक नया चेहरा, जैसे मैंने बताया था कि चेहरे बदलते रहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के, पर एक्चुअल कंसेप्ट सेम रहेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, वो कंसेप्ट सेम रहेगा, बस चेहरा बदल जाएगा। तो क्योंकि अब इस एवरेज रेट पे लिमिट लग गई, तो चेहरा बदल के स्टूडेंट्स अब बन जाएगा डीसी बाय डीटी। आप लोगों ने पढ़ा होगा डीसी बाय डीटी, और डीसी बाय डीटी का मतलब होता है स्टूडेंट्स डिफरेंशियल चेंज। क्या कहते हैं इसको स्टूडेंट्स हम लोग, डिफरेंशियल चेंज अपॉन में डिफरेंशियल टाइम, डिफरेंशियल चेंज इन टाइम। डिफरेंशियल मतलब आपने पढ़ा होगा कि बहुत 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 छोटा चेंज कॉन्सेंट्रेशन का, और बहुत 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 छोटा चेंज इन टाइम के बारे में यहाँ बात होती है। ठीक है, तो याद रखेगा इंस्टेंटेनियस स्पीड के अंदर, याद रखना स्टूडेंट जब हमें पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करेंगे, और इंस्टेंट तक पहुंचने का एक ही तरीका, ध्यान सुनना भाई, इंस्टेंट तक पहुंचने का एक ही तरीका है, टीआई और टीएफ को एक दूसरे के पास ला करो, सिंपल है। इस जो ब्रैकेट मिल रहा है टाइम का, इसको जितना छोटा करोगे उतना कम, जितना छोटा करोगे उतना अच्छा है। और छोटा करने का मतलब क्या है कि डेल्टा टी को ऑलमोस्ट जीरो बनाना, डेल्टा टी को जीरो पे पहुंचोगे तो सीधा डिफरेंशियल फॉर्म पर पहुंच जाओगे, राइट। तो याद रखिएगा दिस इज द एक्चुअल एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस स्पीड स्टूडेंट्स, और दिस इज द एक्चुअल एक्सप्रेशन ऑफ योर एवरेज रेट, वो होता है एवरेज रेट का फॉर्मूला, और ये होता है रिप्रेजेंटेशन स्टूडेंट्स इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला। चलिए अब इसी फॉर्मूले से लेता हुआ एक और चीज बोल देता हूं, चलिए यहां देख लेते हैं, यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, कि फॉर रिएक्टेंट, अगर स्टूडेंट्स हम रिएक्टेंट की बात करें, तो रिएक्टेंट के लिए आप याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर हम इंस्टेंटेनियस स्पीड लिखेंगे तो याद रखिएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड को अगेन लिखा जाएगा कुछ इस कदर, याद रखना किस तरह लिखा जाएगा स्टूडेंट्स, इस कदर लिखा जाएगा। नेगेटिव साइन अगेन क्या बता रहा है स्टूडेंट्स, कि कॉन्सेंट्रेशन जो चेंज आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव। तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन में जैसे बताया था, चाहे तुम एवरेज की बात करो चाहे इंस्टेंटेनियस की बात करो, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ये हमेशा पॉजिटिव रखना होगा, इसलिए यहां पर भी नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन अगर, ये मतलब है कि कॉन्सेंट्रेशन यहाँ कम होती रहेगी, ठीक है। और सेम वे अगर प्रोडक्ट की बात करें स्टूडेंट्स, तो प्रोडक्ट के लिए अब ये फॉर्मूला इंस्टेंटेनियस का जो फॉर्मूला होगा स्टूडेंट्स, वो बनेगा आपका फॉर्मूला कुछ ऐसा। अब तुमको लग रहा होगा कि सर ने ये स्क्वायर ब्रैकेट फिर से लगा करके हमें घुमा दिया, तो जिन बच्चों को नहीं पता तो वो लिख लेना कि भैया केमिस्ट्री में स्क्वायर ब्रैकेट मोलारिटी, मोल्स पर लीटर को रिप्रेजेंट करता है। तो याद रखिएगा जब हम लोग सब्सटेंस के बारे में बात कर रहे होते, तो स्टूडेंट याद रखना डेल्टा डी के साथ हम स्टूडेंट स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, और ये स्क्वायर ब्रैकेट कुछ और नहीं मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, राइट जी। तो इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, अच्छा ये सेम चीज ना स्टूडेंट इससे भी रिप्रेजेंट हो सकती है, ये सेम चीज इससे भी पता कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं सेम अप्रोच यहां लगाता तो अगेन लॉजिक वही है, लॉजिक वही है कि ये जो डेल्टा टी मुझे मिल रहा है ना यहां से, ठीक है, इस डेल्टा टी को क्या बनाना है, अप्रोक्सीमेटली जीरो बनाना है। और जीरो ये फिर से कब बनेगा, जब दोनों चीजें एक दूसरे के पास आएंगे, टी आई और टी एफ एक दूसरे के बिल्कुल मीट, एक दूसरे के पास आना शुरू हो जाए, राइट। जैसे पास आएंगे तो जैसे एक पर्टिकुलर टाइम पर मिलेंगे, उस पर्टिकुलर टाइम पर हमारा क्या डिफाइन हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। क्या डिफाइन होगा स्टूडेंट्स हमारा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, राइट। चलिए तो कॉपी कर लीजिए जल्दी से इसको स्टूडेंट्स आप सभी लोग, तो समझ में आ गया होगा एवरेज रेट, ठीक है। फिर से रिव्यू देता हूं कि एवरेज रेट का मतलब है कि जहां पर हमारे पास अच्छा खासा टाइम इंटरवल है, इतने से इतने के बीच की अगर बात होगी, अगर इतने से इतने के बीच की बात हो रही है तो वो क्या कहलाएगा, एवरेज रेट। और अगर एक पर्टिकुलर टाइम पे बोल देंगे भैया बताइए इस टाइम पर कितना है, अब दो टाइम नहीं दे मैंने, सिर्फ एक फिक्स टाइम दे दे, एक इंस्टेंट दे दे, इतने टाइम में बताओ कितना रेट ऑफ रिएक्शन, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में जो आपको मिलेगा वो मिलेगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव रहेगा, रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव रहेगा, राइट। कॉपी कर लीजिएगा जल्दी से, हटा दे वीडियो को, पॉज कर लो कॉपी, एवरेज रेट इंस्टेंटेनियस रेट। चलो जल्दी से इसको लेकर के अब थोड़ा सा कंसेप्ट देखते हैं, और चलिए अभी इतने एरिया को ऐसे ही छोड़ देता हूं मैं, ठीक है। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं, अब स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास आ जाता है अगली जो टॉप, अब जो मैं आपको आगे बता रहा हूं स्टूडेंट, उसको हम लोग कई बार नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, व्हाट डू वी कॉल, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या होती है समझते हैं। बेसिकली आप लोग कह लीजिए, नाम से मत घबराइएगा, डिफरेंशियल का बेसिकली कुछ और मतलब नहीं, आप सिंपल मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, डिफरेंशियल फॉर्म में, किस फॉर्म में स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल फॉर्म में। अच्छा सॉरी, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बताने से पहले छोटा सा आप टॉपिक लिख लेना,
ठीक है, डिफरेंशियल रेट पता करने से पहले एक काम करते हैं, हम लोग लिख लेते हैं स्टूडेंट्स यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या था, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन किसकी फॉर्म में, मोल्स पर लीटर की फॉर्म में, अपॉन में चेंज इन टाइम। ये फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, डेल्टा का मतलब यहाँ पे चेंज है, ऊपर थी कॉन्सेंट्रेशन, नीचे था टाइम। टाइम भी किसमें लेके चलेंगे हम लोग, सेकंड्स में, ऐसा यूनिट में सेकंड्स में। तो याद रखिएगा, यहां से याद रखना आपकी जो यूनिट निकलती है रेट ऑफ रिएक्शन के स्टूडेंट्स, वो किस फॉर्म में निकलती है, मोल्स पर लीटर पर सेकंड, मोल्स पर लीटर पर सेकंड इज द रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट की यूनिट होती है रेट ऑफ रिएक्शन की। और अगर हम सेम यूनिट को स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, समटाइम्स हमको स्टूडेंट्स गैसियस रिएक्टेंट दे रखे होते हैं, तो गैसियस रिएक्टेंट में कभी भी आपको कॉन्सेंट्रेशन देगा, प्रेशर देगा, क्या देगा, प्रेशर। तो इन दैट केस स्टूडेंट्स याद रखिएगा, वहां पर हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर को रिप्रेजेंट करेंगे, वहां पर इन दैट केस फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा पी, पी यहां पर प्रेशर है भाई, इसको प्रोडक्ट में मान लेना, इस बार ये प्रेशर रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेशर की यूनिट एटीएम में, और टाइम अगेन नीचे किसमें रहेगा, सेकेंड्स में। तो ऊपर चेंज एटीएम में रहेगा, नीचे टाइम किसमें रहेगा, सेकेंड्स में। तो याद रखना इन टर्म्स ऑफ प्रेशर स्टूडेंट ये रहता है एटीएम पर सेकंड, क्या रहता है ये, एटीएम पर सेकंड, राइट। तो इसको कॉपी कर लीजिएगा आप लोग, फाइन। फिर आगे देखते हैं, ये यूनिट्स होती है, ये एक्चुअल फॉर्मूले होते हैं, हटा दे, चलिए हटा देते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब देखते हैं आगे डिफरेंशियल रेट इक्वेशन के बारे में, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या होती है ये समझते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स इसको समझने के लिए एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन करते हैं, एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले लेते हैं स्टूडेंट्स। इस रिएक्शन में आप याद रखिएगा आपके कैपिटल ए और कैपिटल बी जो है स्टूडेंट्स ये आपके रिएक्टेंट्स हैं, कैपिटल सी कैपिटल डी आपके स्टूडेंट्स प्रोडक्ट है, और याद रखिएगा आपके जो स्मॉल एबीसीडी है, आपके जो स्मॉल एबीसीडी है वो आपके क्या है, जो आपके रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके कह लीजिए स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, बैलेंसिंग कोफिशिएंट जिनको आप बुलाते हैं, ये उसके बारे में बात होती है। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्टूडेंट्स आप सभी को एवरेज रेट कैलकुलेट करना सिखाया था, तो एवरेज रेट में हमने पढ़ाया था मैंने आप लोगों को स्टूडेंट्स की रेट ऑफ अ रिएक्टेंट हमेशा किसके कुल होता है, रेट ऑफ प्रोडक्ट के, जितने जल्दी रिएक्ट करेंगे रिएक्टेंट उतनी जल्दी प्रोडक्ट बनेगा, पढ़ाया था। रिएक्टेंट धीरे धीरे रिएक्ट कर रहे हैं, स्लोली रिएक्ट कर रहे हैं तो प्रोडक्ट भी स्लोली बनेगा, रिएक्टेंट बहुत क्विकली रिएक्ट कर रहे हैं आपस में तो प्रोडक्ट भी बहुत जल्दी बनेगा, राइट। तो उसी के बेसिस पे स्टूडेंट्स यहां पर हम लिख सकते हैं दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्टेंट, जो देखिए मैंने वहां पर लिख रखा था आप लोगों का, राइट, ये किसके इक्वल होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में चेंज इन टाइम, यानी कि दो चीजें हमेशा क्या रहेंगे पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए सेम रहेंगे, जितनी जल्दी रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है प्रोडक्ट भी उतनी जल्दी बनेगा, राइट। चलिए अब स्टूडेंट्स यहाँ इस रिएक्टेंट के अंदर दो रिएक्टेंट है ए और बी, तो स्टूडेंट अब इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को ध्यान सुनेगा, अब इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को मैं स्टूडेंट्स ऐसे लिख सकता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ डी ए बाई डी टी मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ डी बी बाई डी टी। ध्यान समझेगा स्टूडेंट्स, मैं इन दोनों को इक्वल क्यों लिख रहा हूं, इन दोनों को स्टूडेंट्स मैं इक्वल इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ऑब्वियसली बात है जितनी तेजी से ए बी से रिएक्ट कर रहेगा स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली बात है मान के चलो अगर ए की कॉन्सेंट्रेशन में एक सेकंड में मान लो और एक ग्राम ए का रिएक्ट कर रहा है, एक सेकंड में मान लो एक ग्राम ए का रिएक्ट कर रहा है, ए का एक ग्राम रिएक्ट कर रहा है तो बी के साथ तो रिएक्ट करेगा वो, यानी कि मान के चलो अगर स्टूडेंट्स ए की कॉन्सेंट्रेशन में जितनी जल्दी चेंज आएगा, रिएक्टेंट ए की कॉन्सेंट्रेशन में जितनी जल्दी बदलाव आएगा बी की कॉन्सेंट्रेशन में कहने के उतना ही जल्दी बदलाव आएगा, क्योंकि दोनों ही तो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है अगर ए और बी आपस में कंबाइन नहीं होंगे क्या सी और डी बनेगा, नहीं बनेगा, खाली ए तो आपको प्रोडक्ट नहीं बना के दे रहा या खाली बी तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट बना करके नहीं दे रहा, यहाँ बेसिकली ए और बी कंबाइन हो रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं और सी और डी बना करके दे रहे हैं। तो लॉजिक यही कहता है स्टूडेंट्स कि ए और बी के अंदर जो बदलाव आएगा उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आएगा वो क्या होगा, सेम चेंज आएगा, कितना चेंज आएगा, सेम चेंज आएगा, राइट। लेकिन होगा क्या स्टूडेंट्स, आपका जो चेंज हमें दे रखा होगा ना स्टूडेंट, यहां देखिएगा जब हम लोग कह लीजिए रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जो डिफाइन करते हैं, तो स्टूडेंट्स इस रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर आपके जितने भी ए, ए आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट्स मोल्स होते हैं, इनको मोल्स से भी रिप्रेजेंट करा जाता है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट मोल्स भी कहते हैं, कि रिएक्टेंट ए के स्मॉल ए मोल्स है, रिएक्टेंट बी के स्मॉल बी मोल्स है, तो स्टूडेंट इनके अंदर क्या है, मोल्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है, यानी कि इसके अंदर ऑलरेडी ए मोल्स इंक्लूडेड है,
इसके अंदर ऑलरेडी स्मॉल बी मोल्स इंक्लूडेड है, दोनों के अंदर जितने जितने मोल्स थे रिएक्शन में वो इंक्लूडेड है। लेकिन आप जानते हैं कि केमिस्ट्री में जब भी हम कुछ डिफाइन करते हैं तो डिफाइन करते हैं हमेशा वन मोल के लिए। कितने मोल के लिए स्टूडेंट्स? वन मोल के लिए। तो स्टूडेंट यहां पर इस पर्टिकुलर रेट ऑफ रिएक्शन को, इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल चेहरों को वन मोल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इन्हीं के स्टूडेंट्स स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स? डिवाइड कर देते हैं। क्यों डिवाइड करा गया? क्योंकि इसके अंदर ए मोल्स थे, जब मैं उसी मान के चलो इसके अंदर दो मोल थे, तो जब मैं इसको दो से डिवाइड करूंगा तो मुझे वन मोल के लिए रेट ऑफ रिएक्शन मिलेगा। समझ रहे हैं आप लोग? अगर इसके अंदर दो मोल थे तो जब मैं इसको दो से ही डिवाइड करूंगा, जब इसको दो से जितने मोल अंदर थे उतने से डिवाइड कर रहा हूं तो एक मोल मिलेगा मेरे को। मान लो यहां पे एक रिएक्टेंट बी था, इसके 10 मोल, इस पूरे डिफरेंशियल चेहरे के अंदर 10 मोल का क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रखा था, तो अगर इस 10 मोल की क्वांटिटी को मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो मुझे एक मोल का रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। तो याद रखना, व्हेनेवर वी डिफाइन सब्सटेंस तो हमें सब्सटेंस को डिफाइन करने के लिए वन मोल बनाना पड़ता है उसको। तो यहां पर वन मोल बनाने के लिए उनके स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ए के आगे ए लिखा था तो उसको ए से डिवाइड कर दे, बी के आगे बी लिखा था उसको बी से डिवाइड कर दे, राइट। और ये किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? ये आपका इक्वल होगा किसके? प्रोडक्ट के। रिएक्टेंट किसके इक्वल था? प्रोडक्ट के इक्वल था कि नहीं था? बिल्कुल सही था। तो ये इक्वल है किसके? आपके रेट ऑफ चेंज ऑफ डीसी। एंड ये किसके इक्वल है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डीटी। और अगेन जैसे मैंने बताया था कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट के रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होगा, तो अगेन स्टूडेंट डीसी और डीटी के लिए भी क्या करेंगे, इनके स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से इनको क्या कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? डिवाइड कर दिया जाएगा। सेम लॉजिक जैसे रिएक्टेंट में डिवाइड किया था, प्रोडक्ट में भी स्टूडेंट्स वन बनाने के लिए सी और डी से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? डिवाइड। रिएक्टेंट से इसलिए माइनस लगा रखा है, प्रोडक्ट के आगे पॉजिटिव रहेगा। अब यहां देखिएगा सब लोग, अब यहां से स्टूडेंट इंपॉर्टेंट आता है, यहां ध्यान सुनेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि रिएक्शन में आप देख सकते हो कि रिएक्टेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, रिएक्टेंट ओवर द पीरियड टाइम कम होता रहता है इसकी कॉन्सेंट्रेशन। इसलिए स्टूडेंट्स याद रखिएगा, रिएक्टेंट के लिए यहां पर हम एक टर्म यूज करते हैं स्टूडेंट्स, और उस टर्म का नाम है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस मतलब कि आपका रिएक्टेंट कितनी तेजी से, कितनी क्विकली डिसअपीयर हो रहा है, खत्म हो रहा है, उसकी क्वांटिटी कितनी जल्दी से कंज्यूम हो रही है, उसको बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। वही स्टूडेंट्स इसको हम लोग बुलाते हैं आपका रेट ऑफ अपीयरेंस। क्या बुलाते हैं इसको स्टूडेंट्स? आपका रेट ऑफ अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब कि प्रोडक्ट कितनी जल्दी अपीयर हो रहा है। देखिए ग्राफ को देख सकते हैं, पहले जीरो था, जैसी रिएक्शन स्टार्ट हुई धीरे धीरे प्रोडक्ट बढ़ना शुरू हुआ कि नहीं हुआ, बढ़ना शुरू, और जैसे जैसे बढ़ेगा तो अपीयर होता रहेगा ना, फॉर्म होता रहेगा। इसको कई बार हम लोग रेट ऑफ फॉर्मेशन भी बुलाते हैं, याद रखना है, कई बार इसको स्टूडेंट्स रेट ऑफ फॉर्मेशन का नाम भी देते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर रिएक्टेंट के लिए हम टर्म यूज करते हैं डिसअपीयरेंस, और प्रोडक्ट के लिए यहाँ पर स्टूडेंट टर्म यूज करते हैं अपीयरेंस। तो याद रखिएगा जब आप लोग क्वेश्चन देखेंगे इनके ऊपर तो आपको हमेशा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस की बात करेंगे, राइट। एग्जाम्पल लेते हैं इसको स्टूडेंट्स, कैसे रिप्रेजेंट होता है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के लिए अगेन एक ऐसी रिएक्शन जिसको तुम बचपन से देखते आ रहे हो, बचपन से, मेरे कहने का मतलब है तुम्हारे 11th क्लास का बचपन, बिल्कुल। तो स्टूडेंट इंस्टेंटेनियस रेट डिफरेंशियल की फॉर्म में, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन है तो डिफरेंशियल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। तो तरीका देखो फंडामेंटल सेम यूज होगा, राइट। क्या करना है? रिएक्टेंट कौन कौन से है आपका यहां पर? सॉरी, नाइट्रोजन रिएक्टेंट है, बिल्कुल सही, साथ में हाइड्रोजन रिएक्टेंट है, बिल्कुल सही, और अपॉन टाइम, बिल्कुल। नाइट्रोजन क्या लिखा है स्टूडेंट? वन, तो उसको वन से वन डिवाइड कर देंगे, बिल्कुल। और हाइड्रोजन कितना लगा? थ्री, तो उसको थ्री से डिवाइड करते जाएगा, साइन लगा देंगे माइनस का। समझ रहे आप लोग? वन बाय वन अगर नाम भी दिखाते तो कोई बात नहीं, समझाने के लिख दिया मैंने यहां पर। किसके कॉल होगा ये? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया। किसके कॉल होगा ये? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया के, DNS3/dt। और अगेन इसके टू मोल्स है रिएक्शन में तो डिवाइड कर देंगे 1/2, और यहां रहेगा प्लस, यहां रहेगा माइनस। याद रखना नेगेटिव साइन स्टूडेंट्स, याद रखना नेगेटिव साइन कैलकुलेट करते टाइम तुम लोग इंक्लूड नहीं करोगे। नेगेटिव साइन याद रखना कैलकुलेट करते टाइम इंक्लूड नहीं करना, वो नेगेटिव साइन सिर्फ आपके वैल्यूज को पॉजिटिव बना रहा है, ठीक है जी। तो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट अ डिफरेंशियल रेट इक्वेशन ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस। इस तरीके से हम लोग स्टूडेंट एक पर्टिकुलर रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक और रिएक्शन देख लेते हैं, राइट। तो उसके लिए हो जाता है स्टूडेंट, जैसे कि मान के चलो 2SO2+O2 gives 2SO3। जस्ट एग्जाम्पल लेते हैं फिलहाल, इवन दो सारी सारी गैसेज है यहां पर, बट स्टिल रिएक्शन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो अगेन मान के चलो स्टूडेंट्स क्वेश्चन बोल रहा है कि इसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन लिखो, या डिफरेंशियल ना बोले स्टूडेंट, सिंपल बोलेगा रेट ऑफ इक्वेशन, रेट इक्वेशन लिखो, रेट इक्वेशन स्टूडेंट इसको भी बोला जाता है, राइट। तो रेट इक्वेशन क्या बनेगी इसके लिए आपकी? रेट ऑफ चेंज ऑफ SO2 किसके इक्वल होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ O2 के। समझ आ रहा है सबको भाई? और एक किसके इक्वल होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ SO3 के। लेकिन अगेन एक्सप्रेशन यहां तक नहीं छोड़ना, जो स्टोशियोमेट्री जो मोल्स है उसे डिवाइड करना है,
तो उसको डिवाइड कर देंगे 1/2, इसके नीचे आगे 1 लगा दो, उसका एसटी छोड़ दो, उसके आगे क्या लगा दो 1, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। समझ आ रहा सबको? पिक कर पा रहे हैं बच्चों? फिर से बोल रहा हूँ, सारी कहानी यहाँ से स्टार्ट हुई है, सारी कहानी यहाँ से स्टार्ट हुई है। ये मैं पहले बता चुका था, जब एवरेज रेट के लिए एक्सप्रेशन डिफाइन किया था तो वही एक्सप्रेशन यहाँ यूज करा है कि जो रिएक्टेंट की स्पीड होगी जितनी जल्दी रिएक्टेंट खत्म होगा प्रोडक्ट भी उतनी जल्दी बनेगा, राइट। रिएक्टेंट को फर्दर एक्सप्रेस करने के लिए ए और बी के अंदर लेकर आ गया, ए और बी के लिए क्या करेंगे, उनके रेट को इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे, उनका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। ये तरीका होता है कैलकुलेट करने का, राइट। तो याद रखना, इनके रेट ऑफ रिएक्शंस को उनके जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट थे स्मॉल ए स्मॉल बी से डिवाइड कर दिया, प्रोडक्ट के जो भी रेट ऑफ रिएक्शन आ रहा था उनके कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिया अगेन स्मॉल सी और स्मॉल डी से, टू मेक इट वन दम और टू मेक दम वन मोल बनाने के लिए, राइट। रिएक्टेंट की बात करेंगे तो डिसअपीयरेंस कहलाएगा, प्रोडक्ट की बात करोगे तो अपीयरेंस कहलाएगा, कुछ नहीं। इसी चीज को याद रखना स्टूडेंट, इसी पर्टिकुलर चीज को यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं, और दिस इज हाउ वी डिफाइन द रेट रिएक्शन, रेट इक्वेशन, राइट। करियो कॉपी सब लोग जल्दी से, फिर आगे देखते हैं इसको हम लोग। करियो कॉपी हटा दिया जाए स्टूडेंट्स, आगे देखे कैसे क्वेश्चन आएंगे। समझ आता सबको भाई, इंस्टेंटेनियस और एवरेज में फर्क? ये एवरेज था, याद रखना ये एवरेज था, ये इंस्टेंटेनियस था, डिफरेंशियल फॉर्म में इंस्टेंटेनियस, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट वाला रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। हटा दे, देखे आगे, चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं स्टूडेंट्स पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इन पर क्वेश्चन अगर आते हैं तो कैसे क्वेश्चंस के ऊपर पूछे जाते हैं, फाइन। चलिए चलिए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जल्दी से, जो भी तक कंसेप्ट पढ़ा है उस पर जल्दी से क्वेश्चन लगा लेते हैं 2-3, और फिर कंसेप्ट को ओवर करते हैं, छोटे लेक्चर को ओवर करते हैं, इससे पहले आप लोग और ज्यादा पक जाए मेरे से। तो जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपको, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ MnO4- आयन इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज 4.56 इंटू 10^-3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड वर्स दे रखा है आपको, और रिएक्शन दे रखी है आपको स्टूडेंट्स 2MnO4- + 16H+ गिव्स 2Mn+2+5Y2+8H2O। तो क्वेश्चन है बोल रहा है स्टूडेंट्स कैलकुलेट रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ I2, रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना भाई। तो पहला काम अगेन यही है कि वीडियो को पॉज कर लो तुम लोग, और अटेम्प्ट करो खुद क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर मैं आपको वीडियो को सॉल्व करके बताऊंगा कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जी कर ले ट्राई, वीडियो को पॉज करके अब मैं सॉल्व करूं। पहला क्वेश्चन तो यही था स्टूडेंट्स कि पहले आप लोग क्या करेंगे, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले स्टूडेंट्स रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेते हैं, डिफरेंशियल रेट। तो क्या बनेगा, MnO4- / dt इक्वल टू 1/2 मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ I- 1/10 इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ H+ 1/16 मस्ट बी इक्वल टू किसके इक्वल होगा, इसको आगे यहां कंटिन्यू कर रहे देख रहे हैं तुम लोग, रेट ऑफ चेंज ऑफ Mn+2 आयन। काफी लंबी चौड़ी क्वेश्चन दे दी भाई क्वेश्चन वाले ने, ये एक्चुअली जे का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा आप लोग, मस्ट बी इक्वल टू वेट ऑफ चेंज ऑफ वाटर 1/8, ठीक है। ये रिएक्शन है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहां पे देखो स्टूडेंट्स, सारी चीजें इक्वल होती है, तो याद रखना चाहे आप किसी की डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस, किसी की भी डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस की आप बात करें स्टूडेंट, याद रखिएगा क्वांटिटी सेम होती है, मतलब सेम का मतलब दो चीजों को आप इक्वलाइज यहां कर सकते हो। जैसे स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आपको इसका डिसअपीयरेंस पूछा हुआ है और इसका अपीयरेंस आपसे कैलकुलेट करा रहा है,
ये दो चीजों के बारे में बात कर रहे हो और तो कुछ नहीं पूछ रहा। तो स्टूडेंट कैलकुलेशन के लिए आप इन दोनों चीजों को क्या कर सकते हो, इक्वलाइज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? इक्वलाइज। क्यों? क्योंकि सारी चीजें आप देख सकते हो इक्वल टू लगा करके हमने रिप्रेजेंट की। तो इक्वल करते हुए स्टूडेंट यहां पर मैं लिख सकता हूं दैट 1/2 रेट ऑफ चेंज ऑफ MnO2 डिसअपीयरेंट इज इक्वल टू 1/5 रेट ऑफ चेंज ऑफ I2 अपॉन DT। ये देखो स्टूडेंट्स, ये पूरी टर्म याद रखना, रेट का मतलब है स्टूडेंट ये पूरी टर्म। आपको देखो, देख रहे हो ना, मोल्स पर लीटर पर सेकंड का मतलब है ये पूरी टर्म दे रखी है आपको। तो बस आपको ये निकालना है, ये पूरी टर्म हमसे पूछी गई है, इसकी जगह पे आप ये पुट कर दो तो क्या बनेगा आंसर? तो आपका ये बनेगा स्टूडेंट्स कितना, 1/2 मल्टीप्लाई बाय कितना दे रखा है आप लोगों को, 4.56 टेन की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय, देखो आपको ये निकालना है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे 5 भी दिया हुआ है तो यहाँ पे 5 आके आपको क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो इससे आपका ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, राइट? कर लोगे ये, इससे गया 2.5 को इससे सॉल्व करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा, राइट? कर लोगे, कितना आएगा ये 11.4, कितना आएगा स्टूडेंट्स ये आपका 11.4 मोल लीटर पर सेकेंड। ये आपका आ गया स्टूडेंट फाइनल आंसर, समझ रहे हैं आप लोग, ये आपका आ गया फाइनल आंसर। तो इजी था न्यूमेरिकल, जेई 2013 का क्वेश्चन है ये, ऑनलाइन एग्जाम जो जेई का उसमें था। समझ आ रहा है सबको भाई? तो क्लियर है आपको सबको स्टूडेंट्स? पहले अगेन डिफरेंशियलिटी क्वेश्चन लिखिए, फिर जो वैल्यू दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आप पुट कर सकते हो। मान लो ये क्वेश्चन एच प्लस और MN के बारे में पूछता तो स्टूडेंट इन दोनों को इक्वलाइज करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी दो को आप इक्वलाइज कर लो, डिपेंड करता है क्वेश्चन में किस बारे में बात हो रही है। हटा दे, अगला देखिए स्टूडेंट्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, नाउ अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन सेज अ ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन टू डिसअपीयर। जी हाँ, देखो क्वेश्चन स्टूडेंट्स इस बारे में बात कर रहा है क्वेश्चन आपका। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स ये सारी बातें बता रखी है आपको, राइट? चलिए अगेन आप वीडियो को पॉज करें और ट्राई कराए, तो ट्रिकी क्वेश्चन है ये, दिस क्वेश्चन इज नॉट दैट मच इजी, ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं है भाई, याद रखिएगा। तो ट्राई करें आप लोग वीडियो को पॉज करके, फिर मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है क्वेश्चन। कर लिया, हटा दे, ट्राई करें। चलिए स्टूडेंट इस बार क्वेश्चन बोल रहे, देखिए अ ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन को ड्रॉप करा गया, मतलब एक बूंद HCl को डाला गया इस बार स्टूडेंट। तो देखिएगा इस बार स्टूडेंट, इस बार आप लोगों को रेट ऑफ डिसअपीयरेंस जो दिया हुआ है ना, उसको आपको इस बार रेट ले लो या एवरेज रेट ले लो बेसिकली। इस क्वेश्चन के लिए अगर आप स्टूडेंट इंस्टेंटेनियस या फिर एवरेज रेट का कंसेप्ट हटा करके सिंपल रेट ऑफ फ्रैक्शन कंसेप्ट भी लगाओ तो क्वेश्चन उससे काफी हद तक आराम से सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मूला था डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, बिल्कुल सही। क्वेश्चन बोल रहा है ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन कंटेन दिस मच एच प्लस, उसको डाला गया था रिएक्शन के अंदर। तो क्वेश्चन बोल रहा है उस ड्रॉप को डिसअपीयर होने में कितना टाइम लगेगा। तो स्टूडेंट अगर मैं सॉल्यूशन का पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, सॉल्यूशन में ड्रॉप डाला गया और जिस टाइम वो डाला गया होगा स्टूडेंट उस टाइम तक तो उसके अंदर सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन कितना रहा होगा उसका ड्रॉप का, जीरो। जब इनिशियली डाला गया था तब तो नहीं था, मतलब जब तो मतलब नहीं था, मतलब कि जब आपने डाला तो उस टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन जीरो मानेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली याद रखना स्टूडेंट्स क्या करेंगे यहाँ पर, इस बार यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोग आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को भी जीरो मान लेंगे और इनिशियल टाइम को भी कितना मानेंगे, इस बार जीरो सेकेंड्स। कितना मानेंगे स्टूडेंट्स? जीरो सेकेंड, राइट? तो यहाँ से स्टूडेंट बेसिकली होगा क्या, पहले आपको निकालना पड़ेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस निकालना पड़ेगा क्योंकि इस बार आप देख सकते हैं आपको मोल अलग दे रखा है, वॉल्यूम आपको अलग दिया हुआ है और आपको मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है या नहीं होता। तो मोल्स आपके पास 6 × 10⁻⁷ अपॉन में 0.05, यह आएगा स्टूडेंट 1.2 × 10⁻², इतना आपके पास ये मोलैरिटी आ जाएगा। मोलैरिटी का मतलब आपको कॉन्सेंट्रेशन आपके पास आ चुकी है, राइट? फॉर्मुला था स्टूडेंट डेल्टा सी का फॉर्मुला पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, क्या होता है सी फाइनल अपॉन सी इनिशियल अपॉन में टी फाइनल अपॉन में टी इनिशियल। क्वेश्चन में पूछा गया कि कितना टाइम लगेगा उसको डिसअपीयर होने में, देख रहे हैं आप लोग, हाउ लॉन्ग विल इट टेक का मतलब कितना टाइम लगेगा, यानी कि इस बार आपसे स्टूडेंट्स फाइनल टाइम पूछा गया और इनिशियल टाइम जैसे मैंने आपको बताया स्टूडेंट की जीरो लेके चलेंगे, जीरो मतलब जिस टाइम पर उसको डाला गया था वहां से टाइम क्लॉक स्टार्ट हुई, इक्वल टू जीरो से प्रोसेस स्टार्ट हुआ और उसके आगे के बारे में बात करेंगे, राइट?
तो t इक्वल टू जीरो रहेगा और उस पॉइंट पे सॉल्यूशन में h प्लस की ड्रॉप भी एब्सेंट थी, तो ये मान के चल सकते कि t इक्वल टू जीरो पे उस पर्टिकुलर चीज की कॉन्सेंट्रेशन भी कितनी थी, जीरो थी। तो यहाँ पे सी आई और सी एफ दोनों जीरो हो जाएंगे। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या बनेगा, जो ड्रॉप आपने डाली है, कितनी ड्रॉप डाली है आपने वाटर के अंदर, 1.2 × 10⁻²⁻ अपॉन टाइम आपसे पूछा गया है। तो एक काम करते हैं, इसको खाली टी लिख देता है, खाली टी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, यानी कि रेट दे रखा है, क्या दे रखा है स्टूडेंट, रेट दिया हुआ है इस बार आपको, एवरेज रेट। याद रखना ये जो मैंने टर्म यूज कर दिया ना स्टूडेंट, डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस, वो हम लोग चाहे तो इंस्टेंटेनियस के लिए भी और एवरेज के लिए, दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस में कैलकुलेशन कर रहे हो, राइट। इस बार अभी हम लोग एवरेज में कर रहे हैं, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को मैं एवरेज लेके चल सकता हूं, ठीक है। तो स्टूडेंट आर हमको दे रखा है, कितना दिया हुआ है ये, आर हमको दिया हुआ स्टूडेंट्स कितना, 6 × 10⁵ इक्वल टू, ये है हमारे पास 1.2 × 10⁻², और हमारे पास टाइम हमको निकालना है, टाइम को यहां ले जाओ, इसको यहां ले आओ, तो स्टूडेंट टाइम कितना आएगा, ये 1.2 × 10⁻²² अपॉन में 6 × 10⁵। सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स तो ये आपका कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा स्टूडेंट, तो यह होगा आपका 2 × 10⁻⁸ सेकेंड्स। तो ये आपका स्टूडेंट फाइनल आंसर, समझ आ रहा है सबको, पिक कर पा रहे हैं सब लोग भाई, तो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन, राइट। तो समझ आ रहा है सबको बच्चों, कॉपी कर लीजिएगा। फिर इसके ऊपर स्टूडेंट एक क्वेश्चन और करते हैं, प्रेशर के ऊपर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से कर लीजिए कॉपी जी, हटा दे, हटा दे स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन सेज दैट रेट ऑफ रिएक्शन इन एटीएम मिनट इनवर्स। जी हाँ स्टूडेंट, इस बार आप लोगों को ये निकालना भी क्वेश्चन में, इस बार आपको मिनट इनवर्स एटीएम मिनट इनवर्स में निकालना है, और इस बार आप देख सकते हो कि जो रिएक्शन दे रखी है उसमें सब कुछ गैसेस है, और दिस टाइम यू हैव टू डील इन द गैस। तो अगेन वीडियो को पॉज करें और जल्दी से क्वेश्चन को ट्राई करें, फिर मैं सॉल्व कराता हूं क्वेश्चन, कर ले ट्राई, सबने हटा दिया जाए। देखिए स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट ना, प्रेशर के साथ कैसे डील करना होता है ध्यान समझिएगा स्टूडेंट। इस रिएक्शन में आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट आपको, इस रिएक्शन क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। कैसे है समझते हैं स्टूडेंट, इस वाले क्वेश्चन में आप लोगों को अगेन दो कंडीशन लेनी पड़ेगी स्टूडेंट, इनिशियल, इनिशियल मतलब है टाइम इक्वल टू जीरो पर, और अगेन फाइनल क्या होगा आपका, टी फाइनल, और टी फाइनल आपको इस बार क्वेश्चन में दे रखा है 25 मिनट्स का मतलब क्या हुआ कि आफ्टर 25 मिनट्स की बात होगी, कि 25 मिनट के बाद क्या होगा, राइट। क्वेश्चन को अगर आप पढ़े तो स्टूडेंट N2O5 का आपको इनिशियल प्रेशर गिवन है, क्वेश्चन बोल रहा है ना, इफ द इनिशियल प्रेशर इज दिस मच, इनिशियल का मतलब है स्टार्टिंग में आपका N2O5 का कितना प्रेशर था, 114। और यहाँ पे अगेन स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ अगेन आपने 11th क्लास में जो इक्विलिब्रियम पढ़ा था उसके एनालिसिस के बारे में, इनिशियल चेंज देन फाइनल, यहाँ पर भी वही बात करने वाला हूं मैं। और आपको इस साल भी सॉल्यूशन में पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, कि सॉल्यूशन के अंदर भी हम लोग जो वेंटो फैक्टर पढ़ते थे तो इसी तरीके से डील करते थे कि जितनी इसकी क्वांटिटी उतना उतना ये बढ़ेगा, राइट। तो याद होगा स्टूडेंट इनिशियल का मतलब क्या हुआ, टी इक्वल टू जीरो, और स्टूडेंट मैंने आपको पढ़ाया था, देखिए टी इक्वल टू जीरो पे प्रोडक्ट कितना होता है, हमेशा जीरो होता है कि नहीं होता स्टूडेंट, प्रोडक्ट कितना होता है जीरो, तो ये कितना होगा आपका जीरो। आफ्टर 25 मिनट्स क्या होगा, मान के चलो स्टूडेंट्स 25 मिनट के बाद इसमें से इतना प्रेशर निकल गया, जितने भी प्रेशर वाले प्रेशर बना हुआ था आपके इस N2O5 का, उसमें से मान लो P प्रेशर कम हो गया। अब रिएक्शन के हिसाब से स्टूडेंट्स क्या समझ में आ रहा है कि अगर मान लो इसका P प्रेशर कम होगा तो ये भी कितना बनेगा, P बनेगा कि नहीं बनेगा, देखिए 1, मान लो अगर ये 2 लिखा होता तो उसको मैं क्या लिखता, 2P। पढ़ाता ना मैंने आपको स्टूडेंट्स कि अगर रिएक्शन को स्टडी करना चाहे तो इसका 1 यूनिट, इसकी कितनी यूनिट दे रहा है 1 यूनिट, और इसकी कितनी यूनिट दे रहा है हाफ यूनिट, कितनी हाफ यूनिट, ये हमको रिएक्शन से समझ में आ रहा है, ये हम नहीं बना रहे, ये रिएक्शन से स्टडी करना है। तो सेम वे अगर इसका 1 यूनिट का मतलब अगर P निकला तो इसका 1 यूनिट बन रहा है, यानी कि इसके अंदर भी P जाएगा, और O2 में कितना जाएगा स्टूडेंट्स, कितना जाएगा स्टूडेंट्स आपका हाफ P जाएगा कि नहीं जाएगा, 1/2 P जाएगा कि नहीं जाएगा स्टूडेंट्स, जाएगा कि नहीं जाएगा स्टूडेंट्स, समझ आ रहा है सबको भाई कि 1/2 P जाएगा उसके अंदर जी, फाइन बिल्कुल। अब क्वेश्चन बोल रहा है मान लो
एट 25 मिनट्स टोटल प्रेशर कितना, टोटल प्रेशर का मतलब स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये आप लोग जानते हैं जब भी कोई गैसियस रिएक्शन चलती है ना तो वो एक ही वेसल में चल रही होती है, सेम वेसल में, यानी जिस वेसल में ये प्रेजेंट था उसी वेसल में ये भी, उसी वेसल में ये भी, तीनों एक ही वेसल में है। तो टोटल प्रेशर अगर निकालना हुआ स्टूडेंट तो क्या करना पड़ेगा, N2O5 का प्रेशर, N2O4 का प्रेशर और प्रेशर ऑफ O2, इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा। इसका प्रेशर 25 मिनट के बाद कितना है, 114 माइनस पी, इसका प्रेशर कितना है प्लस पी, और O2 का प्रेशर कितना है प्लस 1/2p, राइट, पी से पी कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा यहां पर 114 प्लस 1/2p, ये आया स्टूडेंट टोटल प्रेशर किसका, इन सभी गैसेस मिक्सचर्स का, इन सभी गैसेस का टोटल प्रेशर कितना आएगा, ये आएगा राइट, पी टोटल। क्वेश्चन में अगर आप पढ़ो तो देखो ये दे रखा है कि द टोटल प्रेशर ऑफ द गैसेस मिक्सचर, देख रहे हैं, देखिए इस गैसेस मिक्सचर का टोटल प्रेशर भी गिवन है कितना, 133 टोटल प्रेशर के बराबर, टोटल प्रेशर दे रखा था 133, बिल्कुल सही। एक काम करते हैं इसको स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं, दैट इज आउट टू बी 133 माइनस 114 दैट इज आउट टू बी 1/2p, तो यह स्टूडेंट्स आपका कितना बन जाएगा, ये आपका बनेगा स्टूडेंट्स कितना 19, और 2 को यहां मल्टीप्लाई कर दो तो p आपका बन गया स्टूडेंट्स कितना 38, तो p आपका कितना आ गया स्टूडेंट 38, कितना आ गया स्टूडेंट p आपका 38, समझ आ रहा है सबको इतना, यस स्टूडेंट्स सबको समझ में आ रहा है इतना। अब आपको क्या निकालना है स्टूडेंट्स, अब आपको निकालना है स्टूडेंट p आपके पास आ चुका 38 राइट, यानी कि स्टूडेंट्स अब रिएक्शन के रेट का मतलब क्या होता है, रेट का मतलब यह होता है कि भैया कितना प्रेशर कम हो गया था 25 मिनट तक, तो ये जो पी आ रहा है स्टूडेंट याद रखना माइनस मत करना, ध्यान सुनना इसको स्टूडेंट माफ कर दो माइनस नहीं करना, इसका सिंपल सा ये मतलब है स्टूडेंट्स कि इतना प्रेशर कम हो चुका है, यानी इतने से वैल्यू कम हो चुकी है, इतने से वैल्यू डिक्रीज कर चुकी है, तो आपको कुछ नहीं करना स्टूडेंट, ये जो 38 पी आया ना आपका, यही आपका स्टूडेंट्स एवरेज रेट बनेगा, क्या बनेगा स्टूडेंट्स एवरेज रेट बनेगा राइट, ये आपका क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स एवरेज रेट। एवरेज रेट के लिए क्या करेंगे ध्यान सुनेगा आप, पहले काम करते हैं एवरेज रेट के लिए क्या करेंगे आप लोग, 38 डिवाइडेड बाय टाइम कितना होता है 25, क्या करेंगे टाइम से डिवाइड करते हैं 25, लेकिन अगेन क्वेश्चन अगर आप देखें तो स्टूडेंट एटीएम पर मिनट में पूछा गया है, तो स्टूडेंट एक काम करता है इस प्रेशर को, क्योंकि यहां से प्रेशर हमें किसमें मिलेगा, ये देखिए MMHg में, तो उसको एटीएम बनाने के लिए 38 को 760 से डिवाइड कर दो तो आपका प्रेशर एटीएम में आ जाएगा, तो यहां पर भी स्टूडेंट्स मैं 760 से डिवाइड कर देता हूं, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इससे आपका जो रेट है एवरेज रेट वो किसमें आ जाएगा एटीएम पर मिनट में, किसमें आएगा स्टूडेंट्स एटीएम पर मिनट में आएगा राइट। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स प्रेशर में आपको डील करना होता है, याद रखिएगा फाइनली आपने क्या निकाला है, याद रखना फिर से बोल रहा हूं, जो पी आपने निकाला उसको माइनस करने बैठ जाना, माइनस नहीं करना, जितना ये आया है उसी को आगे लेके सॉल्व करना, सिंपल है, समझ आ रहा है। तो स्टूडेंट दिस इज हाउ वी डिफाइन द व्हाट डू वी कॉल न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन प्रेशर, तो समझ आ रहा है सब लोगों को कैसे सॉल्व करना है, यस स्टूडेंट्स, तो पिक कर पा रहे सब लोग क्वेश्चन कंसेप्ट का राइट। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम लोग केमिकल काइनेटिक्स, रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट वगैरह पे कैसे न्यूमेरिकल आते हैं वो हम कर चुके हैं राइट। तो चलो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना रखते हैं, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया तो प्लीज इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर और लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज। आज के स्टूडेंट्स लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं, गुड बाय।